अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आप सबको भी एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग खैरियत से हैं जी? तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे मैं कोई टीचर हूं और टीचर पूछ रहा है। अरे भाई, गेम शो में आते हैं जरा शो जोर से। खैरियत से हैं, ये बात। और आज बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। और आप लोगों को भी, दो दिन लगातार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दो मैचेस जीत गई। सिर्फ पाकिस्तान की मेंस टीम ही नहीं बल्कि वुमेन्स टीम ने कल इंडिया को भी हराया है, तो सबको मुबारक हो। खैर जनाब, या मुबारकबाद के हकदार, एक टीम कल होने वाले थे लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। पहले मैं उनसे बात करूंगा कि वो कल जीतते 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 कैसे हार गए। ये क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? वालेकुम अस्सलाम। खुला है? हाँ हाँ वाजी, बोलो। दानिश भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, तीन प्लेयर हैं, चार बार हो जाए। बार बार होना ना, ये बार बार होना ये बड़ी खतरे की अलामत है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, तो ये बार बार होना, समझ रहे हो, खतरे की अलामत है ये। तो ये क्यों हो रहा है तुम लोगों के साथ? दुआ किया करो भाई अपने लिए तीनों। कैसे जीतोगे तुम लोग गेम चेंजर जीते बगैर? दानिश भाई, हम अगर गेम चेंजर नहीं जीत पा रहे तो हम ये सोच रहे हैं कि हम एक दो गेम्स जो हम जो हमें लग रहा है कि हम उनमें वीक हैं, हम उनकी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि गेम चेंजर के बगैर ही जीत जाएं। हाँ, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है कि तुम गेम चेंजर के बगैर ही जीत जाओ, स्पेशली इन एलिमिनेटर्स और इन ग्रैंड फिनाले। तो वो तुम्हें, मुझे लगता है कि दुआ करनी चाहिए किसी तरह किस्मत वापस आए, वरना तो बड़ा मुश्किल है तुम लोगों का जीतना कल। तो मतलब कि ये मेरे ख्याल से सेकंड टाइम इस सीजन के अंदर सेकंड टाइम हुआ है कि दूसरी टीम जो 5 पॉइंट्स की डिफरेंस से बाहर थी वो जीत भी गई और गेम चेंजर भी जीती है। अल्लाह मदद करे तुम लोगों की। भाई कैसे हैं आप लोग? मैं रोज़ाना आप लोगों के पास आता हूँ, तीनों के चेहरे देखता हूँ, हंसते मुस्कुराते हुए मैं समझाता हूँ और मैं चला जाता हूँ। उन पर अमल कब करोगे तुम लोग? दानिश भाई, अमल कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बस हो जाता है, गेम्स हार जाते हैं, कुछ पॉइंट्स लूज कर जाते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है स्पेशली तुम लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि टीवी की अपेयरेंस हो रही है बस। वो एक जो पैशन है ना जीत का, वो नहीं नजर आ रहा मुझे। कल सारे गेम्स तुमने अब्दुल्ला से क्यों खिलवाए? सर, उसकी वजह ये थी कि मैंने आते साथ बताया था कि मेरी तबीयत डाउन है और मैंने डांस भी वैसे नहीं किया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। मुझे लगा नहीं शो में कि तुम्हारी तबीयत नहीं, नहीं सर। अभी कैसे हो तुम? सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारे गेम्स तुम खेल लोगे इंशाल्लाह सर। हाँ जी, आपके क्या इरादे हैं? मैंने सुना था कि काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है, वो बॉटल वाला जो गेम है, जो बॉटल वाला गेम है। सर आप ना यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जैसे जैन बलोचे, वो दूसरा जैन है, उनसे पूछे, मैं वहाँ से लेके यहाँ तक जब प्रैक्टिस कर रही होती हूँ इतने आराम से ले आती हूँ, वो भी 10 सेकंड में, और जब शो में आते मेरे हाथ कांपते, मैं क्या करूँ? ये क्यों हो रहा है? पता नहीं। कल आप लोगों ने 6 गेम, 6 गेम, लेकिन देखो, टीम गेम कल से नहीं हो रहा। ये तुम लोग 6 दफा तो लगातार गेम चेंजर से बाहर हुए थे, फिर कल एक बार, और मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ गेम शो की हिस्ट्री में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर टीम इतनी ज़्यादा मर्तबा गेम चेंजर से बाहर हुई हो। गाइस, तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है तीनों सर, को। सर मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे ख्याल से गिनती के 6 या 7 मैचेस बचे हैं। अगर क्वालिफायर खेलना है अभी भी तुम लोगों के पास चांस है, लगातार 3 या 4 मैचेस एक साथ जीतने पड़ेंगे तुम लोग। ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट, देखते हैं जी आज कैसा खेलेंगे ये लोग। हाँ भाई, गोरिल्लास तारीफ में ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल से, कल तुम लोग हार गए बुरी तरह, तो कोई बात नहीं। और किसको घड़ी दिखाएगी? वो तुम्हें ही दिखाएगी ना, तुम्हें दिखाएगी, जैन को दिखाएगी। अब ये तो नहीं यहाँ से जाए और जाके फैसल को दिखा दे, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तुम दोनों को दिखा है ना भाई, अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उन्हीं को दिखाई जाती है घड़ी। दिखाओ दिखाओ घड़ी, दिखाओ, टाइम तो उसके पास भी घड़ी है।
खैर हंसी मजाक बहुत हो गया, कल फिर हार गए दानिश भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, हार गए दानिश भाई। लेकिन हम लोग एक दो पॉइंट का ही होता फर्क, हाँ ज्यादा नहीं होता, या फिर तीन का होता बस। कल कितने पॉइंट्स की डिफरेंस? दो का, दो का, दो पॉइंट। तो जब तुम लोगों को मैंने बोला है कि एक्टिंग के अंदर पहले सिचुएशन कर लो कंप्लीट, जो भी चीज़ इम्प्रोवाइज करनी हो वो उसके बाद क्यों नहीं करते हो, कितनी बार ये गलतियां करोगे तुम? एक्टिंग के ही पॉइंट्स हैं जो दो तीन बार से तुम लोग मिस करते हो और बाहर हो जाते हो गेम के अंदर। तो क्यों बेटे, जब एक चीज़ गलती हो रही है बार बार तो उसको ठीक कर लो ना, जब मौका मिल रहा है तो। आज करेंगे सर इंशाल्लाह। सिचुएशन सुनो गौर से, अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक ऑप्शन तुम सबको दे सकता हूँ एक्टिंग के अंदर, ये कि मैं तुम्हें माइक दूँ एक तुम्हारे प्लेयर को और सिचुएशन तुम ही को दे दूँ, लेकिन फिर तुम्हारा प्लेयर जोर से पढ़ के तुम सबको बताएगा अगर फिर गलती हुई। अगर चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, तुम लोगों को समझा भी देता हूँ। देखो तुम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि सिचुएशन क्या है, जो एंड में चीज़ें बता रहा होता हूँ वो मैं तुम्हें फेवर दे रहा होता हूँ कि तुम लोग इम्प्रोवाइज इस तरह कर लेना, लेकिन शुरू की सिचुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है, आज गलती ना करना ये। कल तो एंड ही कर दिया इन लोगों ने। मैं अभी बुराई करने वाला हूँ कि पांच पॉइंट्स की डिफरेंस से बाहर थे, अच्छा ही नहीं करने वाला था एंड का, मतलब कह रहे माशाल्लाह माशाल्लाह सर, इतना अच्छा खेल लिए सर। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं हमेशा से एक चीज सोचता हूँ कि अगर किसी चीज का स्टार्ट बुरा हो रहा है तो जरूरी नहीं उसका एंड भी बुरा ही होगा। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है पागल। मुझे नहीं पता ये किस फिल्म का डायलॉग है, मैंने ये मुझे नहीं पता। हाँ हाँ मुझे नहीं पता है ना भाई, फिल्म का डायलॉग है ये, जरा तालियां बजाए। सर देखें मिसाल है क्या है, फिल्म में बोली गई है हमें इसलिए पता है। खैर लेकिन ये है कि कल एक और फिल्म का डायलॉग है, पता है कौन सा? कौन सा? अगर किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो। हाँ, ये तो मुझे वो तो नहीं बोलने वाले तुम? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बोलो बोलो फिर बोलो बोलो। तो बस ये था कि पूरी जान लड़ा रहे थे लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो रही थी कि फिनिश लाइन से आगे नहीं जा पा रहे थे, दो पॉइंट के लिए इतना फाइट कर रहे थे कि हर बार दो पॉइंट से रुक जा रहे थे। हाँ तो बस क्योंकि ना मैंने देखो बताऊं तुम्हें, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स अब खेल खेल के जो है ना ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं अब। बिल्कुल। तो अब तुम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट ही करनी पड़ेगी और इसकी मिसाल कल का शो है, तुम लोग अगर एक पॉइंट कहीं लूज करते तो गेम चेंजर से बाहर थे। अच्छा नहीं खेले कल तुम, कल तुम प्योरली किस्मत से जीते हो यहाँ पे, वरना तो डिजर्विंग तो वही थे लेकिन किस्मत ने साथ दिया तुम लोगों का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वो टीम नहीं है जिसे किस्मत की एज सच जरूरत पड़े, तुम लोग इतना अच्छा खेलो कि बाकी टीम्स, जैसे तुम्हारे कैलिबर का गेम जो है ना वो आजकल टाइगर्स खेल रहे हैं, टाइगर्स उस तरह खेल रहे हैं जैसे शायद तुम लोगों को खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर मैं आज देखूंगा कि तुम लोग कैसा खेलोगे। शुरू करते हैं जी आज का गेम शो। अरे रियाज पटेल मेरा भाई आ गया भाई, अस्सलाम वालेकुम। माइक देते हैं पहले रियाज पटेल को, मैं अभी बात करता हूँ ना रियाज को। वालेकुम सलाम भाई, सुना है गांव चले गए थे आप? फ्लोरिडा से आगे जो एक गांव है वहां से आ रहे हैं आप? इतने दिनों तक चले गए यार हमारा गेम शो छोड़ के। हम कहें जब फर्स्ट टाइम जब मैं आया हूँ यहाँ पर और ड्रमर कोई दूसरे भाई थे, मुझे लगा गेम शो का म्यूजिक कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन चलें शुक्र है आप आ गए। सर मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। हमने भी बहुत मिस किया है आपको। चलें थैंक गॉड आप आ गए। भाई कैसे हो, तुम आ गए हो, अब खुश हैं आप? आपके दांत माशाल्लाह जब बाहर आते हैं ना मैं खुश हो जाता हूँ। चलो कम से कम फैसल खुश है, फैसल खुश है तो मसूद ऑटोमेटिकली खुश है। जी दानिश भाई हम सब। और मसूद ने गिटार किया होता है अप्पी की तरफ, अप्पी हंस अप्पी, तो अप्पी ऑटोमेटिकली हंसना शुरू हो जाता है। हाँ जी कुछ कह रहे थे फैसल आप, बोले बोले। बस हम सब वाकई खुश हो गए कि अब हमारा पूरा। आप लोग खुश हैं? जी हाँ बिल्कुल। आज वापसी पर लूडो खेल के जाइएगा। चलिए जी शुरू करते हैं आज का गेम शो। सबसे पहले होगा वही म्यूजिक और चैंपियंस के अलावा सारी टीम्स बजाएंगी फिर से तालियां। म्यूजिक बेटे मेरे बेटे, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो पहले मेरी बात। वो रियाज पटेल जो है ना वो मेरा दोस्त है, उसके पास होते हैं ड्रम्स, तो तुम कोशिश ना करो कि तुम्हारे सर का ड्रम बजा दूं मैं, इसलिए तालियां बजाया करो जब भी म्यूजिक बजा करे, समझे? अगर नहीं बजानी ना, अगर नहीं बजानी तो चैंपियन बन जाओ इस बार, बेल्ट उड़ा लो इन लोगों से, फिर देखो क्या होता है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का गेम शो। लेकिन एक मिनट, यहाँ कौन कौन है जो बिल्कुल खाली पेट है बता दें आज आप लोग? आप खाली पेट हैं? आप भी हैं आप? अरे क्यों घर पे खाना नहीं मिला, क्या बात करिए? और कौन कौन है सब इतने सारे? आप खाना खा के आए?
खा कर आए। हाँ भाई आप नहीं खाया, कुछ नहीं दिया अम्मी ने। हाँ भाई अम्मी साथ बैठी और कुछ नहीं खिलाया, क्या बात है। ला भाई एक मिनट, आज पहली बार देखा इतने सारे लोग हमारे साथ यार। बहुत सारा, ये जुम्मे के बाद हफ्ते को आते हैं, ये और किसी शो में नजर नहीं आते। अच्छा जी, जमजम बेकर्स एंड स्वीट्स की तरफ से बहुत सारा सामान है मेरे पास, जाओ खिलाओ मेहमानों को, चलो ऊपर जाओ। जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स, चलो चलो। बेकर्स एंड स्वीट्स की तरफ से बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल गई। शुरू करूंगा मैं आप लोगों के साथ पहला गेम है गोल गोल चक्कर पे चक्कर। एक मिनट, कुछ याद दिलाना है आप लोगों को, वो ये कि भाई आज से ऑनवर्ड शायद जो हमारे गेम शो की एक स्पेशलिटी थी, एक बड़ा गेम मैं खेलता था गाड़ियों के लिए और ढेर सारे पैसों के लिए, तो आप लोग हैं वो पहले खुश नसीब इस सीजन के जिनके साथ आज खेलूंगा मैं गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए और पैसों के लिए। जरा तालियां बजा दो पाकिस्तानियों, ये बात। चलो भाई नेक्स्ट है आज का गेम गोल गोल चक्कर में चक्कर, कौन आएगा खेलने के लिए जीतने वाले को? ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की तरफ से एलईडी दूंगा। कई बार आ चुके हो आप, और कौन है? नहीं नहीं लड़के, अरे ये आ जाओ, और शोर करेंगे तो बुलाऊंगा भाई। अरे आए आए आप ही तो हैं, आई 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 दो हो गए, और व्हाइट शर्ट आ जाओ व्हाइट शर्ट, सलवार कमीज बैठो बेटे बैठ जाओ, आपने भी आना है, आओ ब्लू शर्ट, चार हो गए। हाँ नहीं आ रही, जल्दी आओ जल्दी आओ, ब्लू शर्ट जल्दी आओ, और कौन है? एक और, नाई 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 आए रेड शर्ट आ जाए सर, ना आपने बोला रेड शर्ट वाले भाई। तुम मास्क क्यों पहने हो? नहीं खामा खा स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में ये। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है चलो भाई, एक दो तीन चार, एक और भाई आ रहे रेड शर्ट वाले, चार एक और था, कोई एक और था मैं भूल गया, वो कौन था, वो कहाँ है, कौन से वाले? वो तो बच्चा है छोटा, नहीं पेप्सी वाले भाई, नहीं नहीं ये वाले भाई, आ जाओ आ जाओ, इतनी खुशी, चलो ठीक है आ जाओ यहाँ पर। अच्छा गेम बड़ा ही सिंपल है, थोड़े चक्कर ज्यादा आते हैं लेकिन सिंपल गेम है, करना ही है। ये बेसबॉल का बैट आपने एक जगह रख दिया और माथा इसके साथ ऐसे जोड़ लेना, माथा उठाया और चक्कर लिए, चक्कर काउंट नहीं होंगे, माथे का इस बेसबॉल बैट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, फिर इसके गिर्द लेने हैं चार चक्कर। कैसे भाई लेके दिखाओ, एक दो तीन और ये चार, फौरन जाना है उस बकेट में, बॉल है बहुत सारी, एक वक्त में एक बॉल उठाएंगे और वहां डाल के आ जाएंगे, वो वाली बकेट खाली है, फिर आएंगे यहां पर, फिर आप चार चक्कर लेंगे, फिर बॉल पिक करेंगे, फिर उस बास्केट में डाल देंगे, 40 सेकंड्स में जितने ज्यादा स्कोर किया वो जीत गया। आ जाओ आओ जल्दी से 40 सेकंड, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुम्हारे घर के पास रहते हैं? नहीं तुमने एक ही फैमिली के दो लोग बुलवा लिए हैं? हाँ हमें क्या पता, हमें भी आ गया, यहाँ आइएगा, रेडी सुन लें सुन लें, मैं कहूंगा रेडी गो, उससे पहले कुछ हो जाए, म्यूजिक बजे, लोग बोले कुछ, आपने स्टार्ट नहीं करना, मैं बोलूंगा गो तब स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया? चले हो जाए, अभी समझाए, दो सेकंड जो अभी समझ, मैंने कहा जब मैं रेडी गो कहूंगा उसके बाद आप नीचे जाएंगे और शुरू होंगे, आप समझ आ गया? बेहतरीन, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। रेडी गो, अब लेट हो गए, एक दो, क्या करो तीन चार।
बाहर जाओ 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 पकड़ो 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 अरे 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 कोई पकड़ ले अरे 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 आज पहली बार एक सीन होने वाला था। हम कैमरे के थ्रू आते हैं टीवी में, सही है? या एक मॉनिटर लगा हुआ है, एक टीवी लगा हुआ है। आज ये टीवी की तरफ घुस जाते और कैमरे से बाहर आते। अभी बच गए, दो स्कोर किया और 3.5 चक्कर। नहीं आप नहीं, अब आप आइए, अब आपकी बारी। आइए 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 आइए। चलिए जी 40 सेकंड है आपके पास, थोड़ा आगे रहिएगा, रेडी गो कहूंगा उसके बाद शुरू करेंगे। आगे आइए ना, चले चक्कर तो नहीं आते आपको, या अभी से आ रहे हैं? मुझे अभी से पढ़ना शुरू हो गया इनको, मैंने कहा चक्कर तो नहीं आते, आ रहे हैं अभी से आ रहे हैं, मुझे इतने सारे लोगों को देख के। चले कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, रेडी गो। एक, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। दो, अरे दो हुए, दो चक्कर और है भाई। तीन, एक और एक और एक और एक और एक और एक और, चार, जाओ जाओ, भागो भागो भागो, टाइम दर। अब आए चक्कर, अब आए चक्कर, लेट आ रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन लेट आ रहे हैं। एक चम्मच, दो, तीन, चार, आए, आए। बस 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 बस। अच्छा, इनको चक्कर नहीं आ रही थी, ये डर ज्यादा गए, इनको कम चक्कर आए, उसको ज्यादा चक्कर आए थे भाई, उसको अभी तक आ रहे हैं, वो चेयर पे बैठा और घूमे जा रहे थे। आए भाई नेक्स्ट, आप आए भाई। अच्छा पहले तो है ना, जब मैं बुलाता हूँ, हाँ भाई कौन आएगा चक्कर पे खेलने, सबके हाथ क्यों खड़े होते हैं? उसके बाद जब एक दो लोगों को देख लेते ना यहाँ पर, अरे हाल ये हो रहा है। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कौन आएगा, जाए जाए आप जाए, अरे आप चले जाए, मैं यहाँ हूँ, आप जाए, मैं यही से दिख रहा हूँ। चल जी आपकी बारी आ गई, 40 सेकंड आपके पास, रेडी है भाई? आगे आइएगा, गो कहूंगा उसके बाद शुरू करेंगे, रेडी गो। एक, दो, तीन, चार, जाओ आराम से आराम से आराम से, पैर देखो पहले, चबा 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 चबा, जल्दी जल्दी। एक, दो, तीन, चार, जाओ जाओ, जल्दी 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 चलो। एक, दो, तीन, चार, और भाई के पैर में चोट लगी हुई थी, लेकिन भाई ने 2 स्कोर भी किया और 4 चक्कर की सबसे आगे चले गए भाई। अब आए यहाँ, अब आप बाहर हो गए भाई, अब ये जीत रहे हैं लड़ी भाई। ये किन के साथ आए? इनके साथ, उन्होंने बोल दिया वो तालियां बजाएंगे अगर आप जीतेंगे तो, और आप एलईडी लेके जाएंगे और उनको गिफ्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप जीते तो, रेडी गो कहूंगा उसके बाद शुरू करेंगे। बेटे जरा पीछे हट जाओ, रेडी गो। एक, दो, शाबाश, तीन, चार, जाओ 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 जाओ, शाबाश। एक, दो, तीन, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ 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 जाओ, दस सेकेंड। एक, टाइम जा रहा है, दो, तीन, जाओ जाओ, टाइम अप। इन्होंने 2 स्कोर किया है, 3-4 चक्कर किए और बॉल तक पहुंच गए, सबसे आगे आप चले गए, जाके वहां बैठिएगा। हमारे पास भी एक प्रो प्लेयर है, ओसामा खेलेगा चक्कर पे चक्कर, आओ
आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। हमें नहीं पता उसामा को तो अभी चक्कर आ रहे हैं। हम तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पर उसामा, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पर, हम ऐसे ऐसे खड़े तुम्हारे लिए यार, ऐसे खड़े। बोल के चले जाओ, यहाँ साइड पे आ जाएंगे फिर। चलो अगर जीता तो रेडी गो उसामा, एक दो तीन चार, जाओ। एक दो तीन चार, हटो। एक दो तीन चार, टाइम अप। अच्छा, जैसे वो वाले भाई जो थे वो टीवी से घुसते और निकलते कैमरे से, ये स्पीकर में घुसने के चक्कर में था, ये माइक से निकलता ही है। हाँ, आए भाई आइए। वालेकुम अस्सलाम, आप घबरा तो नहीं रहे? बस सही, फिर आ जाए, फिर आप जीत जाएंगे। आइए आइए, शुरू करते हैं, थोड़ा आगे जाइएगा, रेडी गो के पास आइए। रेडी गो, ये बात पहली चक्कर, एक दो, हट जाओ दूर दूर, तीन, एक और एक और एक चक्कर रह गया भाई, चार, जल्दी 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 जल्दी, एक दो तीन चार। इनको थोड़े अजीब चक्कर आ रहे थे, लोगों को चक्कर आते हैं चक्कर पे चक्कर खेलने के बाद, यानी आपने चार चक्कर लिए जाते वक्त आते हैं, इनको चक्कर लेते वक्त भी आ रहे थे। लाओ भाई, ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की तरफ से एलईडी जाएगी, कहाँ है वो मेरा लाल शर्ट वाला भाई, आ जाओ, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स, जाते वक्त अपनी मन्नत देते हुए जाइएगा। चलो भाई, पहले बहुत सारी तालियां होंगी भाई के लिए, शानदार खेल कर गया भाई। हाँ, क्या चीज बेटे, ब्रेक में बताऊंगा, आ जाओ साइड पर आ जाओ। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का गेम शो। आज तुम लोग बातें करो, अरे जरनाब ने बुलाया था, उन रेड शर्ट वालों को बुलाया है ना, जरनाब का तुक्का। लाओ भाई पहला गेम है, हेड पेनल्टी तो लेकर आओ ना जल्दी से, वो तुमने चेंज कर, अच्छा आज वो फ्रिस्बीज आ गए काशिफ, मेरी आंखों में तो देखो काशिफ, मेरे हाथों की लकीरों में कुछ है, शहरोज अली मेरे हाथों की लकीरों में कुछ है, मैं दिखाता हूं ब्रेक में आके, कहां है फ्रिस्बीज, फिर अली तुम पहले यहां आ जाओ, अली तुम यहां पर आओगे, गेम शो नहीं हो रहा वरना, आ जाओ, अली आएगा यहां पर, अली यहां पर आएगा पहले, नहीं अली आएगा यहां पर। चलो पहले आएंगे टाइगर्स, सेकंड आएंगे गोरिलास, थर्ड आएंगे ड्रैगन्स, और आखिर में आएंगे हमारे शेर, आएंगे लायंस। वाओ ना, कहाँ खड़ी हो तुम, चलो आखिर में बैठी के, यहाँ आ जाओ जल्दी से। अच्छा जी रेडी, कल कौन खेला था, चलो जल्दी कम ऑन, 40 सेकंड थे तुम लोगों के पास, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स, तीन गोल्स भी कर लो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये गेम बाकी लोगों के लिए, लेकिन कम अज कम तीन गोल्स करो। ओसामा तुम ठीक हो बेटे, ठीक है, रेडी गो टाइगर्स। अरे बॉल नीचे चली गई हमारी, अरे बॉल निकाल दो कोई, क्या कर रहे हो,
और एक गोल किया टाइगर्स ने। नेक्स्ट कौन है? गोरिल्लास। दो या तीन स्कोर। शाबाश, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। बारी आई है गोरिल्लास के खेलने की। रेडी गो। फोकस ही नहीं हो दोनों तुम लोग। तुम कहां हेडर मार रहे हो, वो कहां खेल रहा है, कोई स्कोर नहीं किया, गोरिल्लास बाहर हो गए। बारी आई है ड्रैगन्स के खेलने की। अच्छा जैन, पैर आगे ना रखना बस, इस बार से पीछे पीछे। हां बस पीछे खेलो, वहां जा सकते हो, बस बार से पीछे पीछे खेलना। रेडी गो ड्रैगन्स। सुनहरी मौका है लायंस के पास। लायंस, एक गोल भी करोगे तो दो पॉइंट्स जीत जाओगे। कोशिश करो दो गोल्स करो कम से कम। रेडी अब्दुल्ला, चलो दुआ। रेडी गो। गोल किया लायंस ने भी, इसका मतलब है टाइगर्स और लायंस दोनों के साथ जाएंगे दो दो पॉइंट हो जाए। टिक टैक टो, आओ जल्दी से। पहला मुकाबला टीम टाइगर्स वर्सेस ड्रैगन्स। इस जगह का टॉस करना है। लाओ काशिफ, जगह का टॉस। कॉइन चाहिए जल्दी से, देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीतेगी। खुद ही चले गए। ये लो। कल ये तुमने खेला था और यहाँ किसने खेला था। चलो रेडी गो। टाइगर्स फाइनल में आ गए, ड्रैगन्स बाहर हो गए। मुकाबला है लायंस का। गोरिल्लास लाओ भाई टॉस। अरे टॉस बोलो। नहीं, ये होता है चांद और ये छाप है, आप लोग टॉस हार गए। बारी है गोरिल्लास, यहां खेलेंगे। 40 सेकंड है आप लोगों के पास। रेडी गो।
नील हार रहा था ये और फिर हार गया खुद। चलिए जी, लायंस आ गया फाइनल मुकाबला टाइगर्स के साथ। जो जीता 2 पॉइंट, उसके जो हारा उसका 1 पॉइंट। गो। हाँ, लेकिन ऐसा था कि वो गिरता नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ, दोनों दिख रहा था स्क्रीन में। भाई दिखाओ जरा। नहीं, वो तुम्हारा अगर होगा तो वो इसलिए कि वो ऐसा होगा कि अभी रुकेगा और गिरेगा। इसका ऐसा था, दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। दिखाओ भाई, रिप्ले दिखाओ मुझे। हाँ, इमरान का दूसरा वाला दिखाओ भाई, जरा क्या हुआ। रिप्ले अली, तुम कहाँ हो? आओ ना अंदर। दिखाओ रिप्ले, दिखाओ जल्दी, दिखाओ। हमारी बर्थडे कब होती है? अच्छा। सही है भाई, क्या कहते हो? नहीं उस, अब उसको क्या कह रहे हो? अब जरनाब भी डाल दिया। जरनाब बोलो तुम, अब जरनाब तुम बोलो। नहीं हिल रहा। चलो, जिसने पहले स्कोर किया और यहां पे रख दिया, कब वो जीत गया। गो। दो पॉइंट जाएंगे टाइगर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा लायंस के साथ। हो जाए। आज का डार्ट्स गेम। अच्छा जी, कौन खेलने आएगा? 3 लड़कियां जो डार्ट्स खेलना चाहती हैं, आ जाओ। लड़कियां 3, 1 और। बड़ा आसान गेम है डार्ट्स। कौन आएगा निशानेबाजी के लिए? 2 आओ। और कौन आएगा? एक और। कौन आएगा? जो शोर करेगा वो आएगा यहां पर, वो व्हाइट शर्ट। चलो, अच्छा इनके लिए पहले इनको तो दिखाओ। सुन लो कौन कौन आ रहा है पहले। ये नहीं है इसीलिए। ये लो, लायंस आएंगी सबसे पहले, फिर आएंगे गोरिल्लास, फिर आएंगे ड्रैगन्स और आखिर में आएंगे टाइगर्स। अच्छा जी, क्या जाएगा इनके साथ? शेफ मैजेस्टिक की तरफ से कुकवेयर सेट जाएगा आप तीनों में से किसी एक के साथ। पहली बारी आपकी। द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। आओ बेटे जल्दी से आ जाओ, 4-4 बारियां हैं। ये आपका फाइनल मार्क है, इससे पैर आगे नहीं जाएगा। गो। ये तो बकायदा बॉलिंग कराने आई है। यहां सुराख हो जाता है अभी। तीनों जाया आखिरी बारी। बस बस सारे थोड़ी 4 बारियां थी। आइए आपकी बारी। 4 में से कोई स्कोर नहीं किया उन्होंने। बारी आई आपकी। मसरूर कहा है? मसरूर को अरे 1 मिनट, पैर तो देखो अपना। बस गो। उनतालीस आखिरी बारी, उनके लिए माइनस नहीं होता। 47, क्या बात आई है। 47 स्कोर कर दिया इन्होंने। शेफ मैजेस्टिक की तरफ से कुकवेयर सेट जाएगा। गो। ये मुझे लग रहा है बहुत जोर से। नॉट बैड, 15, शाबाश। जाया हो गया। तीसरी बारी, 15, 30। अब आपने 20 मारने आ जाए हमारे। 19 मार दे, 19 बहुत पसंद है फजील। गो। आए भाई,
शेफ मैजिस्टिक की तरफ से कुक वेयर सेट जाएगा इनके साथ। पहले बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जाओ बेटा छोड़ के आओ, बहन के साथ जाओ छोड़ के आओ। चलो बेटे अपना मुंह पीछे करो, हटाओ उसको, हटाओ। गरीब लग रहा है मुझे अभी भी। यहाँ सही है, अब सही है। चलो भाई पहले कौन था? लायंस आओ जल्दी से। लायंस इस लाइन से आगे ना जाए तुम्हारा पैर। को फोकस अगर सीखना है तो दुआ से सीखो। फोकस ऐसा करती है दुआ। खेलो, चलो पैर देखे, गो। कौन इमरान पहली बारी जाया? अच्छा ये लड़कियां अभी खेलकर जीत कर गई हैं, वो क्या था? गो 12, बहुत आला, दो बारी में 12। तीसरी बारी जाया, आखिरी बारी इमरान, आखिरी बार। हाँ दो बारी हमारी, तीन में 12, 12 और 5 17, नॉट बैड, शाबाश। आखिरी बारी है, 17 स्कोर हो गया चार बारियों में, 17 पे खतरा और खतरा टल गया, 17 स्कोर किया। आओ मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करते हैं दुआ, वहां पीछे ले जाके पिटाई कर दो। कौन है बेटे? वहां जाके पिट लो, थोड़ा वहां पिट लो। चलो गो, ग्यारह ग्यारह ग्यारह, बारह बच गए, दो में 12, 19 मार दिया फजीला, जो भी जाती है। कितने हो गए? 31। आखिरी बारी है, 38। बहुत अलग, क्या कर रहे हो तुम लोग आज बताइए, ये किसने खाया है? चले भाई आइए, 5 बारी है, फोकस, शाबाश। चलो जैन गो, -20, -17, क्या खेल रहा लड़का, -37 हो गए दो में। इधर आ जा बेटे, टाइम नहीं, जल्दी आ जा, -37 में से 9 निकाल दो, 28, 29, 3 में 29 माइनस, 28 हो गए जनाब, अब 19 रह गए, 19 रह गए, -19 आखिरी बारी, -4 खत्म हो गए भाई, कितना खेलो भाई, आ जाओ बेटे आ जाओ। हाँ भाई कौन है नेक्स्ट, सब हो गए? मुकाबला तो अब शुरू हुआ है, मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। गोल आ रहे, -8 बच गया, 11 है प्लस में, गो 1, 12, 25 हो गए, 3 में 25, 27 आखिरी बारी। कह रहा टारगेट क्या है, टारगेट तुम खेलो भाई, कितने हो गए भाई? 36 और 6 42 हो गए, 26 और 10 हो गए, 36 और चक्कर आ रहा है। हाँ भाई तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं बताओ? 44 फिर ठीक है, एक चेक कर के आओ, 11 और 1, चेक करो, देख लो 11 और 1 हो गया 12, हटो बेटे हटो हटो। ये -20 हो गया, अरे बच गया, अरे बुल जाए पे लग के गिर गया, अरे
बार बचाइए 50, एक ही बारी में खत्म कर देता मैं, एक ही बारी में खत्म करता, आखिरी रह गया मेरा। अच्छा अच्छा बेटा साइड का नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया वरना हो गया था मजाक। यार दो पॉइंट जाएंगे ये जो टाइगर्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा गोरिल्लास के साथ। मुझे अभी तक का स्कोर कार्ड देखना भी दिखाना भी, जरा दिखाइए कि इस गेम के बाद कौन सी टीम सबसे आगे और कौन सी टीम है सबसे पीछे, दिखाइएगा भाई। ये दो आंखें मुझे देख रही है। अच्छी ड्रैगन है ये, 00 पे 03 पे लायंस है, 6 पे टाइगर्स हैं और 1 पे गोरिल्लास हैं। टाइगर सबसे आगे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आता हूं, कहीं मत जाइएगा। गेम शो चलेगा, चले जी खेलूंगा आप लोगों के साथ, जिसकी होगी किस्मत अच्छी। यहां पर अपने अपने कूपन्स निकालिए, लाओ भाई जल्दी से, देखते हैं आप में से वो कौन खुश नसीब है जो आज हमारे साथ ब्रीफकेस खेलने आएगा। अपने अपने कूपन्स निकालिए, अपने अपने सीट नंबर्स। टू जीरो थ्री एट जीरो जी एस 20380 कौन है भाई आप है 20380 चेक करो जाके, फैमिली के साथ नीचे आ जाएं, उधर आओ ना जल्दी 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 से चेक करो, यही है तो जल्दी बुला लो, टाइम का मुकाबला सख्त है। एक पोडियम मुझे भी ला दो जल्दी से, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। काशिफ ये लोग हैं, चेक कर लिया, आइए जल्दी से, वेलकम करता हूं आपको हमारे शो में। बड़े दिनों के बाद आया है ये वाला गेम, आइए प्लीज वहां पर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज माइक दीजिएगा जल्दी से, इन्हें माइक दीजिएगा। अच्छा जी बेटे अपने अपने मुंह जरा इधर कर लो, इनको सारे ब्रीफ केसेस दिखा दो, एक से लेके 9 नंबर तक है मेरे पास, आप कोई भी एक ब्रीफ केस मंगवा सकते हैं। अच्छा मैं दूंगा इसके अकॉर्डिंगली आपको ऑफर, अगर आप कबूल कर लेंगे तो वो हो जाएगी ऑफर आपकी, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो आपने बोला नहीं मैंने ब्रीफ केस के साथ ही जाना है तो ये भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। आइए शुरू करते हैं ब्रीफ केस। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद। माइक खोलिएगा खुर्रम का जी, बोलिएगा दोबारा। सर मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। खुर्रम शहजाद साहब ऑल द बेस्ट, कोई भी एक ब्रीफ केस आप आपस में डिस्कस करके भी मंगवा सकते हैं, प्लीज मंगवाइएगा, एक से लेके 9 तक नंबर्स हैं। जल्दी से लोग चाह रहे हैं लेकिन मंगवाना कोई एक ब्रीफ केस है जी, बताइएगा। जी 7 कह रही है नंबर 7। अच्छा आप इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक दफा जो मंगवा लिया सो मंगवा लिया। 7 नंबर ले आओ भाई, 7 नंबर के साथ खेलेंगे। फैमिली ने मंगवाया है ब्रीफ केस नंबर 7, मैं जल्दी से ओपन करके देखता हूं कि आज इनकी किस्मत ने 7 नंबर ब्रीफ केस में इनके लिए क्या छुपा के रखा है। 7 नंबर में जो भी कुछ है या आपने अपनी किस्मत से यहां मंगा लिया। अब मैं आपको इसके अगेंस्ट अपनी पहली ऑफर देने लगा हूं, आगे आपकी मर्जी, 50,000 रुपए दूंगा ले लीजिए, 50,000 रुपए कैश दूंगा, ये ब्रीफ केस यहीं छोड़ दें, पैसे लें जाके अच्छा सा खाना खाएं और सो जाएं। क्योंकि देखिए मैं एक चीज बता दूं, इन 7 के 7 ब्रीफ केसेस में बड़े इनाम नहीं है, छोटे इनाम भी है, सही है, गाड़ियां भी हैं, बाइक भी है और बाइक आएगी 60-70,000 रुपए की, सही है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एक 4,000 cc भी होगी इसके अंदर, एक 800 cc भी होगी, एक 1,300 cc भी होगी, ये हो गए 3 ब्रीफ केसेस। बाकी के ब्रीफ केसेस यानी कि जो 6 ब्रीफ केसेस बचेंगे उसमें सब में छोटे इनाम आते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा यह है कि शायद कोई छोटा इनाम निकल आए, लेकिन आगे आपकी किस्मत है। मेरा काम आपको समझाना है, मैं तो आपको दूंगा पहली ऑफर 50,000 रुपए, बताइए चाहिए या नहीं, क्यों, आपको क्या लगता है क्या है 7 नंबर ब्रीफकेस में? खेलते हैं। माइक में बोले खेलते हैं। आपको क्या लगता है? कुछ ज्यादा होगा, बड़ा कोई अच्छा इनाम होगा, आप ये सोच रही हैं इसलिए खेल रही हैं। मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, हो सकता है इसके बाद मैं ऑफर आपको लिए ज्यादा ना बढ़ाऊं। गेम को समझिए, देखे अगर तो कोई छोटा इनाम है तो वो 50-60,000 से ज्यादा का नहीं होगा, सही है, एक चीज। अगर बड़ा इनाम है तो वो 7-8 लाख का भी हो सकता है,
वो 12-13 लाख का भी हो सकता है, लेकिन बात वही है ना कि हो सकता है। अगर सिर्फ 50,000 की चीज है तो ये लाख रुपए का सौदा बुरा नहीं है। मैं लाख रुपए दे रहा हूँ कैश, लीजिए सुकून से बैठिए जाकर और खाइए पिए। और क्या करेंगे आप लोग बताइए? हाँ जी, माइक करीब करके बोलो। लक आजमाते हैं, नसीब आजमाना चाहेंगे। जी जी। आपको लगता है ये लाख रुपए कम है आप लोगों के लिए? नहीं, खैर कम तो नहीं है, अगर ये है कि खेलते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी अपनी ऑफर और बढ़ाता हूँ। मैं आपको 150,000 रुपए दूंगा, बस अब शायद ऑफर नहीं बढ़ाऊंगा। 1.5 लाख रुपए कैश दूंगा अपनी तरफ से। और हाँ, याद रखिएगा, याद आया मुझे यार, एक इनको एलईडी दे दो, ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एलईडी है, एक एलईडी भी दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए के साथ। याद रखिएगा कि शायद एक अदद एलईडी भी हो सकती है, सिर्फ एक जनरेटर भी हो सकता है, एक यूपीएस भी हो सकता है, ये भी सोच समझ के खेलिएगा। 1.5 लाख रुपए कैश है, साथ में ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की एक एलईडी, जल्दी बताइएगा। पक्का भाई? 1.5 लाख और 50,000 तकरीबन की हो गई एलईडी। 2 लाख रुपए इनको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ऐसे नहीं, वो लोग जिन्हें लगता है कि इन्हें 2 लाख रुपए नहीं लेने चाहिए हाथ उठाएं। इनको जरा देख लो कौन कौन मना कर रहा है। अच्छा, और वो लोग जो कह रहे हैं 2 लाख रुपए ले लो भाई, ले लो घर ले जाओ, कौन है वो? ये ज्यादा लोग कह रहे हैं मेरे हिसाब से भी, क्योंकि ये ब्रीफकेस तो अनदेखा है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। उसे बेहतर है कि 2 लाख रुपए कमाएं, 1.5 लाख रुपए कैश लें, ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की तरफ से एलईडी घर लेके जाएं। नहीं मान रही, चलिए फिर आप मनाइए, क्योंकि टाइम अप हो गया है। इनको मैं दूंगा काउंट डाउन आप लोगों की मदद से, सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे 10। थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, थोड़ा और 2 लाख रुपए कैश दूंगा, मेरी फाइनल ऑफर है, साथ में ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की एलईडी दूंगा, बस। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो किस्मत आजमा लें 7 नंबर पे, अगर चाहें तो 2 लाख रुपए कैच लें, साथ में एक एलईडी लें और खुशी खुशी घर जाएं। हमारा हाल तो बड़ा टाइम अप हो गया, मैंने काउंट डाउन दे दिया, ये आप लोगों को मैंने फेवर दिए 50,000 रुपए बढ़ा के। बताइए, 2 लाख रुपए कैश, एक एलईडी, अब आपने हाँ या ना कहना है, बस जल्दी से बताइएगा। 2 लाख रुपए कैश है, साथ में ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की एलईडी है, या फिर 7 नंबर ब्रीफकेस? क्या करें बता दो भाई, कोई तो बताइए भाई। नहीं नहीं, ब्रीफकेस के साथ जाएंगे। कौन कौन है जिसे लगता है ब्रीफकेस में कोई बड़ा इनाम है? ब्रीफकेस। और कौन कौन है जो कह रहा है नहीं, जो मैं ऑफर दे रहा हूँ वो ज्यादा अच्छी है? ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि शायद मेरी ऑफर ज्यादा अच्छी है, जल्दी बताइएगा, जल्दी से, टाइम अप हो गया, मैं काउंट डाउन दे चुका। नहीं मेरे भाई, ये मेरी फाइनल ऑफर है, 2 लाख रुपए कैश दूंगा, साथ में ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की एलईडी दूंगा, बस। कुल मिला के 2.5 लाख रुपए हो गए, या तो 2.5 लाख रुपए जाएंगे या फिर जो कुछ ब्रीफ केस में अब वो जाएगा, जल्दी से सोचिए, यस और नो। बेगम को कोशिश कर रहा हूँ मनाने की, करीब थोड़ा माइक करीब करके बोलिए। बेगम को कोशिश कर रहा हूँ कि मान जाए। देखिए, अगर बेगम नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको ब्रीफ केस देता हूँ, फिर घर पे जाके आप लोग मना लीजिएगा एक दूसरे को। सर जी, हमारा हाल तो बताइए, बस मेरी आखिरी ऑफर है, 2 लाख रुपए, एक एलईडी, जल्दी से बताइएगा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं ब्रीफ केस खोल दूंगा, ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ ये चले जाएंगे, 2 लाख रुपए भी जाएंगे, एलईडी भी जाएगी, जल्दी से ऑफर मान लेते हैं। चले ऑफर, ठीक है। माइक में बोले एक दफा, क्या कह रही है? ठीक है, ऑफर ठीक है, ऑफर कबूल है जी। माइक में बोले मुझे ऑफर कबूल है जी। ऑफर कबूल? कंफ्यूज कर रहे, यही तो काम है मेरा। जल्दी से बोले ऑफर कबूल या नहीं? ऑफर बढ़ा दें, एक बाइक बढ़ा दें। नहीं, 2 लाख रुपए और एक एलईडी, बस ये मेरी फाइनल ऑफर है, जल्दी से, टाइम जा रहा है। आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, जल्दी से बताइएगा, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे मैं ये 7 नंबर ब्रीफकेस खोल दूंगा। ऑफर कबूल है या ब्रीफकेस? चलो ठीक है, ऑफर ठीक है भाई, बहुत सारी ताली होनी चाहिए, ऑफर कबूल कर लिए, कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ, 2 लाख रुपए घर पे आ गए, एक एलईडी आ गई है, आदमी को वैसे भी लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे ही है ना, जबरदस्त बात है। लेकिन अगर किस्मत में गाड़ियां लिखी हो
और आप 2 लाख रुपए लेके घर चले जाएं तो फिर क्या होता है बताता हूँ। आइए, 7 नंबर ब्रीफ केस आप लोगों ने मंगवाया, 7 नंबर तो वैसे ही इतना लगी और मेरा लगी नंबर भी 7 नंबर था। अगर आज आप ऑफर कबूल नहीं करते और सिर्फ 10 सेकंड्स रुक जाते, मैंने जहन में सोच लिया था कि अगर आपने 10 सेकंड्स नहीं बोला तो ये 7 नंबर के ब्रीफ केस में जो कुछ आपके साथ जाएगा 2 लाख और ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट की तरफ से एक एलईडी इन्होंने जीती है। लेकिन आज इन्होंने 800 सीसी कार को खोया है, 800 सीसी कार थी इनके नसीब में, लेकिन ये 2 लाख रुपए पे मान गए। लेकिन कोई बात नहीं, जो किस्मत में था बहुत बहुत मुबारक, बहुत सारी ताली होनी चाहिए पहले पूरी फैमिली के लिए। 2 लाख रुपए और ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स की तरफ से एलईडी, प्लीज हैव सीट्स। चलिए भाई शुरू करेंगे नेक्स्ट गेम, ब्लो द बॉल, लेकर आओ जल्दी से, जल्दी लेकर आओ, दिखाओ सबसे पहले खेलने के लिए कौन सी टीम आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ड्रैगन्स 00 पे हैं आज, ये कैसा हो रहा है आज। चलो भाई सबसे पहले खेलने के लिए जो टीम आएगी, लायंस आएंगे, उसके बाद ड्रैगन्स दूसरे नंबर पे हैं, फिर आएंगे गोरिल्लाज और आखिर में आएंगे टाइगर्स। क्या हुआ, आखिर में आएंगे लायंस आएंगे खेलने के लिए। कल कौन खेला था, आज तुम खेलोगे, मैं समझ गया आज तुम क्यों खेल रहे हो, मैं समझ गया आज क्यों खेल रहे हो, है ना। हाँ मैं समझ गया हूँ, ये बताएंगे तुम्हें ब्रेक में बताएंगे। चलो भैया खैर अभी तुम कॉन्सेंट्रेट करो जीतने पे, इमरान जल्दी आ जाओ, 40 सेकंड है तुम्हारे पास। चलो भाई 40 सेकंड है, टीम लाइन्स खेलने हैं, सबसे पहले रेडी गो। एक अरे बहुत आला तो शाबाश शाबाश, चलो तीन चार पांच पांच स्कोर किया है, नॉट बैड। लायंस की तरफ से इमरान ने 5 स्कोर किया, बारी आई है टीम ड्रैगन्स के खेलने की, कम ऑन चेस, रेडी गो। नीचों के खेलो, नीचों के एक चलो तीन टाइम आप 4 स्कोर कर दिया, तीसरी बॉल तुम लोगों ने बहुत देर में फेंकी है। हाँ 4 स्कोर करके दूसरे नंबर पे ड्रैगन्स है, पहले नंबर पे लायंस है, अब कम से कम 4 स्कोर करना है गाइस 1 पॉइंट जीतने के लिए भी। बारी आई है गोरिल्लाज की, रेडी गो। एक लग गई तुम्हारे होंठ पे लग गई है, चलो दो स्लो स्लो खेलो, बस बस सारी फूके खत्म हो जाएंगी। तीन 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 स्कोर किया, बाहर हो गए टीम गोरिल्लाज, बारी आई है टाइगर से खेलने की, रेडी गो। कम से कम 4 स्कोर करना, हो गया yeah.
टाइम आप। दो पॉइंट जाएंगे लायंस के साथ और एक पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ, हो जाए। वाला गेम है सबसे पहले खेलने के लिए है? क्या किया था उसने? शफल किया, शफल किया। चलो सबसे पहले फिर लायंस ही आएंगे। दो पॉइंट जीते हैं लायंस ने और एक पॉइंट जीता है ड्रैगन्स ने। सेकंड गोरिल्लास आएंगे, थर्ड टाइगर्स आएंगे और आखिर में आएंगे ड्रैगन्स। रिंग्स नहीं, रिंग है। सही है, चलो इमरान दोनों पैर अंदर रखोगे। दो पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स है। लायंस 40 सेकंड्स है, रेडी गो। स्लो स्लो स्लो। ऐसे घुमाओ इसे, टाइम अप, एक स्कोर सबके लिए बराबर है, इतने ही होंगे सबके लिए। एक स्कोर किया, एक स्कोर किया। देखो वो तो एक जो ये वाला इशू है ये सारी टीम्स को आएगा ना, अगर फ्रिस्बीज कम है तो वो सबके लिए बराबर है ना। हाँ वो अब तुम्हारी आपस की स्ट्रैटेजी है, पहले बनाया करो। बारी आई है गोरिल्लास से खेलने की, रेडी गो। नीचे क्यों खेल रहे हो? टाइम अप, नहीं जी कोई स्कोर नहीं किया, गोरिल्लास बाहर हो गए। लारेव की बारी आ गई खेलने की, रेडी रेडी गो। अब दो स्कोर कर दिया, टाइगर सबसे आगे निकल गए एक स्कोर के साथ, लायन दूसरे नंबर पे। एक स्कोर किया ना तुम लोगों ने, बारी आई ड्रैगन्स की। कम ऑन ड्रैगन्स, तुम लोगों को दो स्कोर करना है, कोई पॉइंट नहीं है तुम लोगों का, एक पॉइंट है, एक है, एक है। रेडी क्या? रेडी गो ड्रैगन्स। क्या हो गया शाताज? एक दो तो।
दो पॉइंट जाएंगे टाइगर्स के साथ, दो पॉइंट जाएंगे ड्रैगन्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा लायंस के साथ। बारी आ गई मेरी खेलने की, आओ जल्दी से। तीन सही है। रेडी रेडी गो शादाद। हटो बेटे मुंह हटाओ। ये पूरा खानदान एक हो गया है। अरे आज नहीं जा रहा। एक दो मैं कह रहा था कि 10 सेकंड्स बचे थे और 10 सेकंड्स पहले ही मैंने 3 स्कोर कर दिया। बस ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती। मैं परफॉर्मेंस से बताता हूँ, परफॉर्मेंस से। शमशेर देखा है ना तुमने। खैर दो पॉइंट्स जाएंगे ड्रैगन्स के साथ, दो पॉइंट्स जाएंगे टाइगर्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा लायंस के साथ। हो जाए नेक्स्ट है फ्लिप द बॉटल। जल्दी से आओ पहले खेलने के लिए। टाइगर्स आएंगे और टाइगर्स का मुकाबला करेंगे ड्रैगन्स। टाइगर्स वर्सेस ड्रैगन्स। तो थोड़ा दूर कर यार, थोड़ा सा बस, सही है। और बस नहीं, अब दूर करो, ये काफी स्पेस है। बस चलो 40 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। रेडी गो। ड्रैगन्स फाइनल में, टाइगर्स बाहर हो गया। मुकाबला है लायंस का गोरिल्लास के साथ। टॉस लाओ भाई, टॉस। बोलो हेडिटस। टॉस तुम लोग जीत गए, उनकी मर्जी की जगह, उनकी मर्जी की बॉटल। 40 सेकंड है आप लोगों के पास। रेडी गो। गोल्डन पॉइंट, जिसने पहला स्कोर किया और बॉटल शिफ्ट कर दी, वो अपनी टीम को लेके फाइनल में। गो। गोरिल्लास फाइनल में, लायंस बाहर हो गए। हाँ भाई फिर से टॉस लाओ भाई। शाताज की बारी टॉस की। बोलो। अच्छा आप टॉस हार गए आप लोग। इधर टॉस हार गए आप लोग, टॉस हार गए। जरा जाइए। रेडी गाइस, 40 सेकंड्स। Ready, go! ये सारे के वैसे गिरते हैं। टाइम अप। दो पॉइंट जाएंगे ड्रैगन्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा गोरिल्लास के साथ। हो जाए।
Smash the cup. Next game. जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ. सबसे पहले खेलने के लिए गोरिल्लाज आएंगे. सेकंड ड्रैगन्स है. थर्ड लायंस है और आखिर में आएंगे टाइगर्स. चलो भाई रिंग रखो यहाँ पे. सही है, चलो आ जाओ. 40 सेकंड्स खेलने के लिए आए गोरिल्लाज. कल यहाँ किसने खिलाया था? कल लड़कियों ने खिलाया था. तुम खिलाओगे? करीब आ जाओ थोड़ा. चलो रेडी. 40 सेकंड्स रेडी. Ready, go! Ek. एक स्कोर किया, लेकिन खेलते बिल्कुल सही हो तुम. एक स्कोर किया गोरिल्लाज ने. अब एक स्कोर तो करना ही पड़ेगा दो पॉइंट्स जीतने के लिए. बारी आई है खेलने की टीम ड्रैगन्स की. रेडी ड्रैगन्स? चलो रेडी गो. आगे ये इस तरफ से. हाँ ये एक दो. टाइम अप. दो स्कोर कर दिया ड्रैगन्स की तरफ से शेज़ ने. बारी आई है खेलने लायंस की. अब एक स्कोर तो करना ही है इमरान. अगर एक पॉइंट भी जीतना है, दो स्कोर करके दो पॉइंट्स जीत सकते हो. बॉल्स लाइएगा काशी. बॉल्स जल्दी से. क्यों ये क्या पहली बार खेल रहा है सीजन के अंदर? ट्राई तो हम मेहमानों से कराते. चलो भाई रेडी गो लायंस. तुम इसको खिलाओ इमरान. इस तरफ से, इस तरफ देखो. इधर इधर आगे तुम स्लो खेलो. कोई स्कोर नहीं किया इमरान ने. बारी आई है टाइगर्स के खेलने की. कम ऑन टाइगर्स. एक स्कोर करोगे तो एक पॉइंट है, दो स्कोर पे दो पॉइंट्स हैं. रेडी चलो रेडी गो. मिलाओ कोई स्कोर नहीं किया इसने. कोई स्कोर नहीं किया, यानी कि अगर मैं कोई स्कोर ना भी करूं तो मैं जीता हूं. चलो भाई कौन खिलाएगा? आओ जल्दी से. दो पॉइंट जाएंगे ड्रैगन्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा गोरिल्लाज के साथ. यहां से बाउंस करके गया, वो काउंट नहीं होगा. तुम लोगों ने एक स्कोर किया था ना. दो पॉइंट विन किए ड्रैगन्स ने, एक पॉइंट विन किया टीम गोरिल्लाज ने. बारी आ गई मेरी. चलो भाई रेडी गो. हार गया वो, हार गया. हाँ
हार गए तुम, हार गए बेटे। मैंने एक स्कोर कर दिया ना, दुश्मनी जिसने उसको हराना है, बस दो पॉइंट जाएंगे ड्रैगन्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा गोरिल्लास के साथ हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से, और नेक्स्ट है फ्रिस्बी वाला गेम। इसके बाद मैं म्यूजिकल चेयर्स खेलूंगा। जो भी 10 लड़कियां म्यूजिकल चेयर्स खेलना चाहती हैं वो रेडी हो जाएं। इसके बाद फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक है जो विनर के साथ जाएगी। अच्छा जी, ये गेम खेलने के लिए सबसे पहले ड्रैगन्स आएंगे, दूसरे नंबर पे होंगे टीम लायंस, थर्ड होंगे गोरिल्लाज और आखिर में आएंगे टाइगर्स। एक मिनट, याद है? चलो शुक्र है, मैंने कहा बातों पे लगे हमेशा। जल्दी आ जाओ, पहली बारी है ड्रैगन्स की। रेडी ड्रैगन्स, जल्दी 40 सेकंड जगह पे जाओ, साइड पे जाओ, सब साइड पर आ जाओ। रेडी, चलो 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 चलो, आगे लाओ ना। क्या हो गया? इस वाली लाइन से, हाँ ये लाइन है तुम्हारी, ये यहीं से इन हो गया और यही इन हो गई, आउट हो गया तो यहां से तुम स्टार्ट हो जाओगे। आउट होने के बाद ये इन हो गया तो एक स्कोर हो गया, सही है। 40 सेकंड, टांग पैर उठा के मारना है तुमने। रेडी गो। सही है, स्कोर किया है ड्रैगन्स ने, 3 स्कोर किया है। ये हो जाता 8-9 सेकंड बाकी थे तुम्हारे, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। लायंस की बारी आई है, 3.5 स्कोर करना है तुम लोगों ने जीतने के लिए। चलो पैर उठा के, अब्दुल्ला एक पैर हवा में रख के ही मारना है, दुआ एक पैर हवा में रख के ही खेलोगे फर्स्ट टाइम भी जब खेल रहे हो तो। रेडी, 40 सेकंड है तुम लोगों के पास। रेडी गो, वापस आवाज जल्दी से। चलो अब्दुल्ला जल्दी, चलो फेंक दो जल्दी से, जाओ जल्दी जाओ। टाइम अप, 2 स्कोर किया है, 2 स्कोर किया तुम लोगों ने। आओ भाई बारी आई है टीम गोरिल्लास की। रेडी गाइस, देखो उसी पे लड़ाई हो रही, खेलें किससे हम। चलो भाई रेडी गोरिल्लास, रेडी गो। शाबाश शाबाश, 2 हो गए। चलो चार स्कोर कर दिया गोरिल्लास ने, 4 स्कोर कर दिया भाई, बहुत ज्यादा जबरदस्त।
अब दूसरे नंबर पे तुम लोगों को 3 स्कोर करके 4 के साथ पहले नंबर पे चले गए गोरिल्लास। बारी आई है टाइगर्स के खेलने की। टाइगर्स तुम लोगों को कम से कम 3 स्कोर करना है, अगर एक पॉइंट भी जीतना है तो 3 स्कोर तो करना ही है। रेडी गो सरनाथ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे बहुत आला। चलो वापस। चलो चलो शाबाश। एक और। अरे दिखा दो भाई, रिप्ले दिखाइएगा मुझे। क्या शाहताज ने कहा है कि पैर रख दिया, टाइगर्स ने पैर रखा है, जरा दिखाइएगा शाहताज। अगर पैर नहीं रखेंगे तो हवा में कैसे खेलेंगे? दिखाओ जरा, दिखा दो भाई क्या। हम देख ले रिप्ले, देख ले हम लोग। दिखाइएगा रिप्ले, दिखाइएगा वो। देखो जो गेम शो के अबू हैं वो नहीं देख रहे, सारे बच्चे देख रहे हैं। भाई बहुत आला। दिखाओ दिखाओ, पीछे करो पीछे करो पीछे करो गाइस, पीछे करो पीछे करो। कहाँ? बस यहाँ दिखाओ दिखाओ, बस बस सही है। ये तो सही है, ये तो सही था। तो पैर ही अंदर है अब, और कहाँ से खेले वो? येलो लाइन से खेलना चाहिए। ये देखे, दिखाओ दिखाओ भाई दिखाओ, पीछे करो पीछे करो पीछे करो। दिखाओ भाई, ये सही है सही है। आगे चलो आगे चलो भाई, बहुत अलग। कहाँ है जैसी भाई? क्या बात है जैसी, जैसी से हो गई गलती इस तरह। जैसी तुम लोगों ने कितना स्कोर किया? 2.5 स्कोर किया और बाहर हो गए। 2 पॉइंट्स जाएंगे गोरिल्लास के साथ और 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। हो जाए म्यूजिकल चेयर्स। कौन कौन खेलने आना चाहता है? अच्छा 10 लड़कियां ही खेलने आएंगी जो मैं बता रहा हूं। कौन कौन आएगा? आप आओ, सबसे पीछे वाली बच्ची, सबसे पीछे वाली बच्ची, आप ब्लू शर्ट आ जाओ। वो पीछे वाली, आप लोग नहीं, बैठ जाए बैठ जाए, सब बैठ जाए। वो बुला ली मैंने, वो पीछे। 2 आ जाओ, 3 4 5 6 वो ग्रीन वाली जो आप सबसे पीछे, 7 8 2 और आप आ चुकी, 9 1 और आप भी आ गई, आप भी आ गई हैं, आप आइए, 10। चलो फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक जाएगी आप में से किसी एक प्लेयर के साथ झाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। करीब आइएगा, मैं आप लोगों को समझाऊं खेलना कैसे, जल्दी से आगे आइएगा। अच्छा आप में से कोई भी प्लेयर जब घूम रहा होगा इन चेयर्स के गिर्द तो इस पे चेयर पे हाथ रख के नहीं चलना है आपने। या तो हाथ बांध के खेलेंगे या हाथ लूज छोड़ के खेलेंगे, चेयर्स पे हाथ किसी ने नहीं रखना है। म्यूजिक कहीं पर फास्ट कहीं पर स्लो हो रहा होगा, अगर म्यूजिक स्लो हुआ और आप लोग गलती से बैठ गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। म्यूजिक को रुकने देना है और फिर बैठना है, सही है? और धक्का तो एक दूसरे को देना ही नहीं है। आइए 3 6 8 लोग आ जाएं, आप लोग 4 बाहर रहिएगा, 8 आ जाएं, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। रेडी गो। कौन कौन बाद में बैठा है? आप बाहर हो गई और इंदौर में कौन बाद में बैठा है? काशिफ, काशिफ को पता ही नहीं है कौन बैठा है। रिप्ले दिखाओ जल्दी से, जल्दी से रिप्ले दिखाओ। आप चारों भी आ जाएं एक साथ,
चारों आ जाएं जल्दी चारों आ जाइए। फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक है जो आप में से किसी एक प्लेयर के साथ जाएगी। ये बच्ची पहले बैठी है, दूसरी वाली बाद में बैठी। बेटा आप बाद में बैठो, चारों आ जाएं जल्दी से, जल्दी 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 आइए, चारों आइए। रेडी गो। श्रीवल्ली, अरे एक दो तीन, आप दोनों में पहले कौन बैठेगा? आशिफ अबाई वाले पहले बैठी है, आप बाहर हो गई। चलो खड़े हो जाए बाबू। कितने प्लेयर्स बच गए? एक दो तीन चार पांच छह। एक चेयर हटा दो। अब आप लोग इस चेयर पे बैठ जाएं, सब बैठे प्लीज बैठे। आप चाहें तो बाइक पर भी बैठ सकती हैं। जीतने के बाद क्योंकि मैं जा रहा हूं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आता हूं, कहीं मत जाइएगा। गेम शो चलेगा। है भाई रेडी है सारे प्लेयर्स? रेडी गो गाइस। आपने नहीं पकड़ा, आप आ जाए, बाहर हो गई। उड़ाओ भाई एक चेयर बाहर। फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से बाइक जो आप में से किसी एक के साथ जाएगी। रेडी गो। कौन है? आप नहीं है, आप बाहर। हटाओ भाई चेयर एक जल्दी से। रेडी, ये और ये एक फैमिली की तो नहीं है दोनों, है ना? ये आंखों की गुस्ताखियां चल रही हैं दोनों के दरमियान में, देख रहा हूं दोनों, है ना? एक मिनट, दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। अरे मजाक करो, खेलो। रेडी गो। मैंने आंखों से देखा है कि वो बैठी हैं। दिखाओ रिप्ले। अब रिप्ले होगा। ये बैठी ना, पर रिप्ले दिखाइएगा। अच्छा वो दरमियान वाली तो चली नहीं रही। बैठी नहीं थी। अच्छा अर्ज किया है इरशाद साहब, कौन है? अर्ज किया है आप जरा धीमे ना चलें, एक स्पीड से चलें प्लीज, क्योंकि आप क्या कर रही हैं जरा प्लीज जराइएगा, जैसे ही बैठने की जगह आती है आपकी स्पीड ये हो जाती है। अब ये नहीं होनी चाहिए स्पीड, सही है? अब आपने नॉर्मल चलना है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। जो बीच में रास्ता है इसमें से निकल के नहीं आना है, आपने ऑल द वे घूम के आना है। रेडी गो गाइस। हाँ
बैठे हो, आप घूम के बैठे हो, सही बैठी है, तुम आके बैठी हो, नहीं ये वापस आई, रिटर्न हुई। हाँ श्रीवल्ली दिखा मुझे, मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ क्या हुआ है। ये देखो अर्ज किया है, हाँ ये तो अलाउड है, नहीं पहले वो बच्ची बैठ गई, आप बाद में बैठे हो, स्प्लिट सेकंड से क्या बात कर रही हो, हाथ रखा है इन्होंने, हाथ रख दिया, दोनों बाहर हो गए, किन्होंने माइक दो, बच्ची बताएगी क्या हुआ है, मुझे माइक चाहिए, ये बच्ची मुझे माइक में छोटी सरनाब लग रही। हाँ दानिश भाई वो जो है ना वो गिर रही थी, वो कुर्सी टेढ़ करके वो हाथ रख के वो आगे चलने लग गई, हाथ तो नहीं रखना होता ना, हाथ किसने रखा, हाथ उन्होंने रखा था, दिखाओ मुझे कहाँ रखा हाथ, हाथ उन्होंने तो अलाउड ही नहीं था, हाथ उन्होंने रखा था, बैठते हुए बैठते हुए आप हाथ रख सकते हो, रखा था, फटा हो गया, फटा हो गया, दिखाओ थोड़ा जल्दी चलाओ, फास्ट फॉरवर्ड करो गाइज, इतना टाइम नहीं, जल्दी 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 चलो, ये किसने हाथ रखा पहले, ये तो आपने ही हाथ रख दिया, फिर नहीं रखा, दोनों तीनों एक साथ जाओ दोबारा खेलेंगे, आइए एक मिनट एक चेयर हटा दो, तीनों खेलेंगे एक पे, आ जाइए फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की बाइक, इन लोगों के साथ जो जो लोग आए हैं वो यहां पर आ जाइए, कौन कौन मेल आया इनके साथ, तुम्हारे साथ है बेटे, किसके साथ आए हो आप, मैं सोच रहा हूँ तीन चेयर्स के साथ तीन लोगों को खेलवाऊं, किन के साथ आए हो बेटे आप बताओ, अच्छा आप बताइए इनके भाई कौन है, यहां पर आ जाइए आप किन के साथ आइए, आइए जी इनके हस्बैंड यहां पर आ जाइए, चलिए जी शुरू करेंगे, तीनों में से कोई एक जीतेगा फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की बाइक, गो। आइए जी आपके साथ ये आइए इनके हस्बैंड, जल्दी से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पहले सबके लिए, चाहिए का मुकम्मल साथ पर क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल आइए बैठिए, चलो 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 बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, उन्होंने कहा चलो म्यूजिक भी बज रहा है, यहीं से शॉर्टकट मार के यहीं से घर ले जाने के चक्कर भाई शो के बाद ले जाना, फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की बाइक विन की है इन दोनों ने, बहुत सारी तालियां होंगी पहले दोनों के लिए भाई, जबरदस्त प्लीज बैठिएगा जाते वक्त बाइक लेके, मुबारक हो बहुत बहुत, ला भाई चक्कर में चक्कर हिट द स्नोमैन, गोरिलास गोरिले केले खा रहे थे वहां बैठे हुए, हाँ गोरिलास केले खा रहे थे, अब तो जान आनी चाहिए तुम लोगों के अंदर, ठीक है 24 केले खा गए, कहाँ गए, सेकंड ड्रैगन्स हैं, थर्ड लायंस हैं, शुक्र है हमारे यहाँ गोरिलास जो हैं अभी केले खा रहे हैं, सोचो लायंस कुछ खाने पर आ गए तो वो क्या खाएंगे, टाइगर्स क्या खाएंगे हमारे यहाँ हैं और ड्रैगन्स क्या खाएंगे, इन्हीं को कहेंगे चलो जल्दी आओ, आ जाओ भाई बारी किसकी, नंबर क्या है तुम्हारा, है नंबर क्या है, माइक देना भाई तीनों को जरा, गौर नहीं बेटे गौर होता है, हाँ बताओ नंबर 4 चार नंबर सर, दो नंबर माइक देना जरा, 3 कितनी बार माइनस करूँ इन लोगों का, रोज हो रहा है एक बार, रोजाना हो रहा है ये, वैसे चार टीम्स हैं तो तीसरे नंबर पर यही होंगे, आ जाओ चलो आइए जी गोरिलास खेलने आए, बारी आई है आज उसामा,
ओसामा 90% ऑफ द गेम्स ऐसे ही खेलता है, ये फ्लिप द बॉटल गोरिल्लास गोरिल्लास रेडी गो गोरिल्लास ज्यादा केले खा लिए स्कोर ही नहीं हुआ। आ जाओ बेटे चलें भाई ड्रैगन्स की बारी आ गई है खेलने की। रेडी ड्रैगन्स लारी अब तुम साइड पे आ जाओ रेडी गो एक दो तीन चार क्या स्पीड है लड़के की चलो स्कोर किया ड्रैगन्स ने। अब एक स्कोर करना जरूरी है। क्या काउंट होगा कहां स्कोर हुआ बाहर आई है जीरो पे हुआ है ना जीरो पे हुआ जीरो पे हुआ दिखाओ भाई रिप्ले दिखाओ मुझे बड़ा टाइम जाया कराती हो तुम लोग बड़ा टाइम जाया कराते हो बेटे अपना मूड आओ दिखाओ सही बताओ फिर ठीक है रिप्ले दिखाई अब देखे कौन जिसने फैसला करना है वो यहां जिन्होंने कुछ नहीं करना वो सामने भाई रिप्ले दिखा दो जी दिखाइएगा दुनिया के मिल अच्छा अब रिप्ले चल गया शेस कह रहा हो गया तो मेरे अभी नजरों से देखा नहीं गुजरा मैं देख रहा हूँ उसके बाद तो जीरो हो गया ना आओ जल्दी से इतना टाइम नहीं है मेरे पास इतना सर नहीं है मेरे पास बचाओ मुझे चलो भाई बारी आई है टीम लायंस की खेलने की साइड पर आओ जल्दी साइड पर आओ एक स्कोर किया टीम ड्रैगन्स ने रेडी गो यही पूछ रहा था मैं तुमसे कि वो वाइट लाइन पर क्यों गया वो तुम लोगों से भी पूछो तुम लोग कह रहे हो पता नहीं मुझे अरे वो पीछे हुआ हुआ है मैं कह रहा हूँ नहीं शुरू में पहली बॉल जब फेंकी तो पीछे हो तो ये देखा करो दोबारा खेलोगे नहीं हो रहा तुम्हारे मैं ब्लू में था मैं चेक करता हूँ तुम लोगों ने खेल के उसको दरमियान में पहुंचा दिया था इसको ब्लू लाइन पर रहना है जल्दी आ जाओ अब्दुल्ला तुम्हारी बचत हो गई है रेडी गो
स्कोर किया है टीम लायंस ने भी, उसको ब्लू लाइन पे लाओ। बस बारी है टाइगर्स के खेलने की। लायंस और ड्रैगन्स बराबर हैं दोनों। गोरिल्लास ने कोई स्कोर नहीं किया है। बारी आई है अब टाइगर्स के खेलने की। रेडी टाइगर्स? एक मिनट, कौन खेल रहा है आज? यानी मेरी बारी आने वाली है इसके बाद। रेडी गो। अरे बारी आ गई मेरी। यानी कि असल में मैं खुश इस बात पे होता हूँ कि मुकाबला मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं जीरो भी करूँ तो ये कुछ नहीं कह सकता मुझे। चलो भाई रेडी। 40 सेकंड कर दिए। रेडी गो। कोई स्कोर नहीं हुआ, लेकिन किसने स्कोर किया? दो पॉइंट्स जाएंगे लायंस के साथ और दो पॉइंट्स जाएंगे ड्रैगन्स के साथ। हो जाए बॉल, जल्दी आओ। सबसे पहले खेलने के लिए ड्रैगन्स आएंगे, सेकंड है लायंस, थर्ड होंगे गोरिल्लास और आखिर में आएंगे टाइगर्स। चलो यहां रखो, थोड़ा पीछे करो, करीब है ये, पीछे, बस सही है। आई भाई, पहली बारी ड्रैगन्स की है। 40 सेकंड है तुम लोगों के पास। रेडी गो। पैर उठाना अलाउड? शहजाद ने पैर उठा के फेंका था ऐसे। दिखाओ भाई, रिप्ले दिखाओ। उसका काउंट नहीं हुआ था। नहीं, पैर उठा के फेंका था। किसका? इसकी तो प्रॉब्लम नहीं थी, पैर उठा के ओसामा खेल रहा था। ओसामा ने खेला था, नहीं दिया था। नहीं नहीं, ओसामा का नहीं खेला, दोबारा खिलाया था मैंने, दोबारा खिलवाया था। नहीं खेला था। अगर हुआ करे तो फौरन बताया करो। रिप्ले दिखाओ। हाँ दिखाओ, शहजाद का चौथा स्कोर। शहजाद का स्कोर पहले बताया भाई मैंने, शायद पहले बताया भाई, फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा। दिखाओ, ये तो नहीं था, ये तो था ही नहीं, तो काउंट ही नहीं हुआ। नहीं, ये है ही नहीं ना। सही है, चार स्कोर क्या है? कौन सा वाला?
60 से इतना टाइम नहीं है, 10 सेकंड दिखा दो मुझे आखिर के, और नॉर्मल स्पीड पे दिखाना, उसको स्लो ना करो, नॉर्मल स्पीड पे दिखाओ जल्दी से। शाहताज ने जो स्कोर किया था फोर्थ वन, मुझे वो देखना है, नॉर्मल स्पीड पे दिखाइएगा। देखा आप लोगों ने कितना लड़ते हैं ये लोग। शाहताज ये स्कोर तुम्हारा काउंट नहीं होगा। 3 स्कोर किया है टीम ड्रैगन्स ने, बारी आई है टीम लायंस की। रेडी गो। एक दो शाबाश। विराट क्या हो गया तुम्हें? टोटल 3 स्कोर का है। इमरान ने जो तीसरा स्कोर किया वो कह रहे हैं इमरान तुमने पैर उठा के फेंका, दिखाओ भाई मुझे 20 सेकंड्स, लास्ट के 20 सेकंड्स दिखा दो, नॉर्मल स्पीड पे दिखा दो, लास्ट के 20 सेकंड्स दिखा दो मुझे नॉर्मल स्पीड में जल्दी से गाइस। चलो 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 जल्दी से, हाँ दिखाइएगा। चलो चलो नॉर्मल स्पीड पे दिखा दो। ये भी उठा, ये तो काउंट नहीं हुआ, ये भी उठा। 2 स्कोर किया है टीम लायंस ने, 2 स्कोर किया टीम लायंस ने, 3 स्कोर किया था टीम ड्रैगन्स ने, बारी आई है टीम गोरिल्लास की। रेडी गो। स्कोर किया है गोरिल्लास ने, 4 स्कोर किया, बारी आई टाइगर्स की, जल्दी से आ जाओ, आ बेटे जरा, बारी है टाइगर्स की। रेडी गो। चार स्कोर तो कर दिया, 5वां स्कोर दिखा हुआ है या नहीं? सर वो इसका सेकंड वाला नहीं, मैं देख रहा हूँ, दोनों पैर नीचे रख के खेल रहा, मैं देख रहा हूँ, मैं दोनों को देख रहा हूँ। अच्छा, आप नहीं दिख रहा तुम लोग खेल के बाहर यार, मुझे दिखाइएगा आखिरी स्कोर, दिखाइएगा मुझे। वो आ सकते हैं रिंग फेंक के, क्या यहीं रहेंगे दोनों? काउंट हो गया, ये हो गया स्कोर। फेंकने के बाद तुमने ऐसे फेंका ही, ये इसका मतलब है कि तुम जंप ले रहे हो ना, ऐसे खेलना है, ऐसे फेंकना है, ऐसे फेंकना है, सिंपल। 5 स्कोर करके 2 पॉइंट जाएंगे टाइगर्स के साथ और 1 पॉइंट जाएगा, 3 स्कोर आप लोगों ने किया। मैं देख रहा हूँ फिर बताऊंगा, देखो मैंने ये देखा है बाकायदा खुद के उसके पैर नहीं उठे दोनों, तुम लोगों ने 3 किया, अच्छा 4 किए थे इन लोगों ने, सही कह रहे हैं 4 किए थे इन्होंने, 4 स्कोर किए थे एक माइनस करने के बाद। 2 पॉइंट जाएंगे टाइगर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा गोरिल्लास के साथ, जल्दी आ जाओ। Ready, go! Yes.
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ फेंक दिए, जीत गया। खैर दो पॉइंट जाएंगे टीम टाइगर्स के साथ और एक पॉइंट जाएगा गोरिल्लास के साथ। हो जाए चलो भाई, नेक्स्ट है मेरे पास कारवाने इस्लामी की तरफ से उमरे का टिकट। अपने अपने कूपन्स निकालिएगा जल्दी से, सही है, जल्दी 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 से। चलिए जी, तीन खुश नसीब आज के पहले खुश नसीब हैं अबूजर अहमद GS35570। अबूजर अहमद कौन है भाई? कोई भी एक आपका प्लेयर आ सकता है, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो सही जवाब देगा उमरे का टिकट जाएगा उसके साथ। कारवान इस्लामी की तरफ से ये गेम खेला जा रहा है और इसके बाद दूसरे खुश नसीब हैं आज के फैजान GS35562। फैजान कौन है? आप हैं, आइए आज के आखिरी खुश नसीब एम जाहिद GS35458। GS35458 एम जाहिद कौन है ये? आप है जाहिद, आइए चेक करो जाके, जल्दी से आइएगा तीनों लीजिए। आपसे मैं इस्लामिक क्वेश्चंस करूंगा, जो सही जवाब देगा उमरे का टिकट जाएगा उसके साथ। रेडी? कोई भी एक एक प्लेयर आ सकते हैं, एक एक यही है, जल्दी आ जाओ। आप में से कोई एक आ सकता है, आप आएंगे। और तीसरे कौन थे? आओ जल्दी से आइए, जल्दी से आइएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगा, जिसको जवाब आता होगा पहले वो हाथ उठाएगा, जो पहले हाथ उठाएगा जवाब भी सिर्फ वही देगा, फौरन से माइक उठा के जवाब नहीं देना है। पहला क्वेश्चन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रंग का लिबास पसंद था? माइक पे पहले इन्होंने हाथ उठाया। व्हाइट। और व्हाइट ही जी? व्हाइट और ग्रीन। व्हाइट एंड ग्रीन, बिल्कुल सही जवाब, सब जोर सफेद रंग का लिबास पसंद था। बहुत सारी ताली होनी चाहिए भाई के लिए, जवाब एक दुरुस्त हो गया आपका। नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें होती हैं? पहले इन्होंने चार। चार बिल्कुल सही जवाब, 1-1 बराबर हो गए दोनों। अच्छा जी, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना क्या है? पहले इन्होंने हाथ उठाया, जो पहले हाथ उठाएगा वो शिर्क। शिर्क के सही जवाब, आइए कारवाने इस्लामी की तरफ से उमरे का टिकट जाएगा आपके साथ। दो जवाब बिल्कुल ठीक दिए इन्होंने, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पहले भाई के लिए। कारवानों का कारवान, कारवान इस्लामी की तरफ से उमरे का टिकट जाएगा आपके साथ, बहुत मुबारक हो यार, एंड में लेते हुए जाइएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? हाँ? अच्छा जी, मुझे तीन कपल्स चाहिए, हेडफोन वाला गेम खेलूंगा, तीन कपल्स चाहिए, लिप्स रीड करने होंगे। आप आई हैं अभी? आप नहीं आई, किन के साथ हैं आप? आइए दोनों, और दो कपल्स और चाहिए, आप आ चुकी हैं, आप भी आ गई हैं, और आप दोनों नहीं आए, आ जाओ दोनों, और कौन आएगा? आप लोग नहीं आ सकते, आप किन के साथ हैं? आइए आप आइए, पीछे वाला भाई, वो पीछे वाला भाई, आप आ चुके, आप बैठ जाओ, वो पीछे वाला भाई। इनके साथ आया कौन है? वाइफ के साथ आना है, आइए जल्दी से। चैनवन की तरफ से गिफ्ट पैकेज जाएगा आप में से किसी एक के साथ, आइए पहले आप लोग आइए जल्दी से, यहाँ आइए, इनके हेडफोन्स लगाइए, म्यूजिक चल रहा होगा, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आपने इशारे करके बताना है कि मैंने क्या पूछा है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चैनवन चेंजिंग लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, लेकिन लिप्स से आपने गेस कराना है। आप इशारे भी कर सकती हैं क्योंकि माइक जो होगा आपने यहां रखना है, माइक करीब नहीं करना है। चलिए रेडी, रक्षा रक्षे का इंजन, रेडी गो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करना, ये देखें मोटरसाइकिल रिक्शा, हाँ रिक्शा स्टार्ट करना, रिक्शा में खेचना, अरे आगे तो सुन ले,
मोटरसाइकिल का इंजन, रिक्शा का इंजन, रिक्शे का इंजन बिल्कुल सही जवाब। 17 सेकंड्स, बहुत आला भाई, जबरदस्त। आइए आपकी बारी आ गई, 17 सेकंड में पूछ लिया आपने, मुश्किल था जबकि इनका रिक्शे का इंजन, बहुत आला। रेडी? दिमाग की लस्सी, रेडी गो। ये दिमाग की लस्सी, दिमाग की लस्सी। 4 सेकंड, सुनो इसमें से आवाज आ रही है, म्यूजिक देखो जरा, कह रहा है दिल पर गाना चल रहा है इसमें। चलो और कौन है, आप लोग बाहर हैं? अरे एक और, मैंने एक कपल और बुलाया था ना, नहीं आए वो, नहीं। चलिए जी, चैनवन की तरफ से गिफ्ट पैकेट जाएगा आपके साथ, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पर इन दोनों के लिए भाई, जबरदस्त। चैनवन चेंजिंग लाइफस्टाइल दोनों के साथ जाएगा, जाओ देख रहे हो। आइए जी, चलो 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 जल्दी से एक्टिंग सेगमेंट जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ। सबसे पहले एक्टिंग के लिए आएंगे टाइगर्स, दूसरे नंबर पे हैं टीम ड्रैगन्स, तीसरे नंबर पे होंगे गोरिल्लाज़ और आखिर में आएंगे लायंस। अच्छा इसके बाद मैं बताऊंगा, इसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो शायद एक गेम और खेलूं, लेकिन टाइम शॉर्ट है। आओ जल्दी से सिचुएशन लेकर आइएगा, सिचुएशन लेकर आओ। पहली बारी किसकी है? टाइगर्स की। सिचुएशन गौर से सुनना सबसे पहले। चलो, दो लड़के मुल्क से बाहर हैं, सफर के लिए टैक्सी ढूंढ रहे हैं। मैं तो बहुत थक गया हूं, टैक्सी में पीछे लेट कर जाऊंगा, मैं पीछे बैठूंगा, मैं सोकर सफर करूंगा, थोड़ी देर में टैक्सी आएगी, लड़की ड्राइवर होगी। अब दोनों की नींद उड़ जाएगी, दोनों इस बात से पलट जाएंगे, आगे मैं बैठकर जाऊंगा, मैं आगे बैठूंगा, लड़की अंग्रेज है। आ जाओ। अच्छा दोनों जो है बिल्कुल थके हुए हैं इस वक्त, जो है ना, यार बस जल्दी से टैक्सी मिले, मैं सो के जाऊंगा, तुम आगे बैठ के जाना, एक दूसरे को बोलो तुम आगे बैठना, पीछे बैठूंगा, नहीं यार तुम पीछे बैठना और मैं आगे बैठूंगा, इस तरह की बात हो रही है। दोनों कह रहे हो, एक कह रहा है मैं पीछे बैठूंगा, दूसरा कह रहा है मैं पीछे बैठूंगा, मैंने लेट के जाना। जैसे ही टैक्सी रुकेगी, आगे आगे लड़की बैठी है, उलट हो जाएगा, बोलोगे मैं आगे बैठूंगा और दोनों की आंखें भी खुल जाएंगी, नींद नींद सब गायब हो जाएगी। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, 60 सेकंड है तुम्हारे पास, मतलब तुम लोग न्यूयॉर्क में घूम रहे हो, टाइम स्क्वायर पे हो, आ जाओ, रेडी, वेट करो तुम लोग, रेडी गो। जैसे ही बस अब कोई भी टैक्सी आएगी ना घर जाते हुए, मैं पीछे बैठूंगा, थक गया हूं ब्रो, मैं मुझे बहुत नींद आ रही है लाली, मुझे पीछे सोने दे दियो, आगे भी सो सकता है, मैं लेट के जाऊंगा, आगे तू बैठ जा ना, ना, ना लाली, टैक्सी आ रही है, टैक्सी को रोक यार। अरे रोक लूंगा, आने दे, मगर लेट के जाऊंगा भाई, मुझे नौजिया हो जाता है यार लाली, मैं तो यहीं मर जाऊंगा। अच्छा है, बिरयानी का असर होगा, जा भाई कोई लाली, टैक्सी आ गई लाली। एक्सक्यूज मी, हेलो, वी वांट टू राइड, या Can I sit in front? You can sit in back, okay? You can slip. You are lazy, you are tired. I'll front. आगे मैं बैठूंगा भाई. नहीं आगे मैं बैठ गया हूँ. आगे मैं बैठ गया हूँ. मैं बैठूंगा पीछे, सो यो. Can you guys please hurry up? हरी हरी. पीछे. Oh, I'll sit in front. You know, you are looking gorgeous tonight. Yeah. Come on. लाली ये तो तूने हदे पार कर. I'm so active today. You know. लाली. हट जाओ, अब नहीं आइयो। This is Punjabi problem, you know, very फटे पास। हट जाओ, oh yeah, lady. Time up, please. Time up, चलो भाई। Second कौन था? Dragons, बेगम लड़ाका और निडर है, सही है? शोहर डरपोक है। Bus stop पर खड़े हैं, बेगम यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, डाकू कभी भी आ जाएंगे, मुंह तोड़ दूंगी मैं डाकू का, इतने थप्पड़ मारूंगी डाकू को, नानी याद दिला दूंगी, कुछ ही देर में डाकू आ जाएगा, रुक यहाँ पर वरना गोली मार दूंगा। बेगम बहुत भरम से डाकू के पास आएगी, मुझे गोली मारोगे, मेरे सर पे मारो, गोली चलाओ, डाकू पर थप्पड़ों की बारिश कर देगी, डाकू की गन गिर जाएगी इस भरम को देखकर, और जो शौहर होगा वो डर के मारे बेगम के पीछे होगा, सही है, छुपा हुआ होगा। चलो रेडी रेडी, माइक चेक कर लेना। हेलो, गो ड्रैगन्स। बेगम मेरी बात सुनो, ये इलाका मुझे सही नहीं लगता,
मोबाइल को जरा नीचे रख लो। एक तो मेरा इतना महंगा फोन है, मुझे चलाने दे, आपको कोई इलाका सही नहीं लगता। कोई डाकू आगे ना छीन के ले जाएगा, साथ ही साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, रहने दो। आप अपनी बेगम को जानते नहीं है, ऐसे रख रख के मुंह पे चमाटे मारूंगी ना उसको, उसकी नानी याद दिला दूंगी मैं, बता रही हूं। आने दो किसी भी डाकू को, इधर ही बस स्टॉप वो है, वैसे आप इधर क्यों आए, उधर चले वापस। जब तक बस नहीं आ जाती तो उधर चलते है ना। मैं बोल रही हूँ बस, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ ना, आपको क्या, मुझे यहाँ कुछ खतरा लग रहा है। निकाल जो भी है निकाल। ओए चूजे इधर सामने आ। नहीं नहीं आऊंगा। इधर आ, इधर बाहर आ। क्यों आऊं? चल पैसे निकाल, मोबाइल दे इधर। क्यों निकाल भाई, क्या क्या कर लेगा तू? हाँ मैं तेरा गोली मारेगा। मार मार, रख यहाँ, रख यहाँ, रख रख यहाँ पे। तुझे मैं टीटी का है अंडा, तेरी टीटी मैं बताती हूँ, है या मुझे मारेगा तू? एक मिनट सब्र कर, है मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे, कैटू कुछ इज्जत कर, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे। हाँ हाँ हाँ, टाइम ऑफ। नेक्स्ट कौन है? गोरिल्लाज। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, आपने कहा था शादी के बाद ड्राइविंग सिखाऊंगा। हालात ख़राब हैं, सुकून से घर में बैठो। शोहर की गैर मौजूदगी में बेगम कार लेकर निकल जाएगी। बेगम अनाड़ी है, डकैत लड़की को रोककर सोने की चेन, मोबाइल, सामान और कार लेकर चला जाएगा। बेगम रोती हुई घर आएगी, रोते हुए, मुझे माफ़ कर दें, हुआ क्या है? फिर बताएगी कि क्या हुआ है, गाड़ी भी चली गई जो तुमने गिफ्ट दिए थे, सोने की चेन, नया मोबाइल दिया होगा, वो सब कुछ चला गया है। आहिस्ता आहिस्ता बताएगी क्या क्या गया है, और क्या गया है, फिर बताएगी ये भी गया है, और तो कुछ नहीं गया, नहीं ये भी गया है। इस तरह 10-12 चीज़ें गिनवा देना। आओ जल्दी से, चलो जल्दी से आ जाओ गाइस, टाइम कम है, जल्दी से आ जाओ। चेंज करेंगे, लाओ भाई, ये लोग रॉकी और रीना ये चेंज करा सकते हैं, वो दोबारा से इसमें डालो लाके वो वाला स्क्रिप्ट। 3 दोस्त किसी शादी में आए हुए हैं, बहुत भूख लग रही है, खाना कब खुलेगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं है, मैं कम खाऊंगा। खाना खुल गया, तीनों इस तरह उठेंगे जैसे महीनों से भूखे हैं, भर भर कर खाना निकालेंगे। बोटी छोड़, ये वाली बोटी खाऊंगा, शीर माल, मतलब एकदम से झपट्टा मारा तुम लोगों ने खाने पे। 3 दोस्त आए हैं शादी के अंदर और तीनों बड़े सोफिस्टिकेटेड होके बैठे हुए हैं, सही है? तीनों एक दूसरे से बोले, नहीं नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है यार, वैसे ही लोग जो हैं देखना भी खाना खुलेगा, एकदम से भागेंगे यहाँ पर, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तमीज से बैठ के आराम से खाऊंगा, जब खा लेंगे जब खा लूंगा। जैसे ही खाना खुला तीनों ने एकदम भागने और एक दूसरे से लड़ के, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। चलो आ जाओ, 60 सेकंड, रेडी गाइज, रेडी। तुम्हारी चेयर कहाँ, ऐसी बैठोगे? जल्दी आ जाओ यार, चलो शाबाश, रेडी गो। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग यार? ठीक है, तुम बताओ। काफी टाइम बाद क्या पहन के आया, इंटरव्यू देने आया? बस यार आज वलीमा था तो सोचा कि पेंट कोट। खैर तुम लोग को खाना वगैरह खाना हो तो खा लेना, मुझे भूख वगैरह नहीं है यार, सीरियसली। मुझे तो लग रही थोड़ा सा, मैं घर से खा कर आया हूं। मुझे भी नहीं है भूख यार, बिल्कुल भूख नहीं है, और वैसे भी तू देखियो ये सबसे ज्यादा खाएगी, देख ली? नहीं यार मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम देखना मैं खाऊंगी ही नहीं बिल्कुल। मैं तेरा वॉशरूम से। अच्छा अच्छा वॉशरूम से आ रहे हो, चलो सही है सही सही है। ये खाली करने खाना खुल गया जगह, अबे खाना खुल गया, अबे खाना खुल गया। ए मैं एक मिनट, ए मेरी बात छोड़, नहीं भाई हट जा हट जा, शिनमाल मेरा यार, ऐसी की ऐसी तेरी यार, हट जा माइक दे दे, मैं ये भी खा लूंगा। अबे फदीला क्या कर रहे हो यार, अभी तो तुझे भूख नहीं लग रही थी यार, ये बदतमीजी, मैं खाऊंगी। ओए अपने वाले में से छोड़ के यहां खा रही है। शीरमाल ले आ शीरमाल, कोफ्ते दे कोफ्ते यार, ये मुझे दे। टाइम अप, जबरदस्त गाइस, बहुत आला। बारी लायंस की है। अच्छा वही सिचुएशन है जो इन लोगों की निकली थी इससे पहले। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, आपने कहा था शादी के बाद ड्राइविंग सिखाऊंगा। हालात ख़राब हैं, सुकून से घर में बैठो, मैं कोई ड्राइविंग तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। शोहर कहीं गया है गैर मौजूदगी में, हो सकता है ऑफिस गया हुआ। बेगम जो है वो कार लेके निकल गई है, रास्ते में कोई डकैत आया, उसने लड़की से गाड़ी भी छीन ली है, सोने की चेन, मोबाइल, सामान और भी जितनी चीज़ें इसके पास, सब कुछ छीन गई। अब ये घर वापस आई है और तुम भी घर वापस आए हो, तो ये थोड़ी सी परेशान है, इसने आहिस्ता आहिस्ता बताना है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। तुम पूछोगे ये जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था वो, क्योंकि वो भी गया, जितनी चीज़ें थी वो सब चली गई। समझ में आया तुम दोनों के? हमारी शादी को 5 साल हो गए, सही है?
आपने कहा था शादी के बाद ड्राइविंग सिखाऊंगा, तुमने बोला, उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं सिखाऊंगा, हालात बहुत ख़राब है, घर बैठो तुम निकल जाओगी। जैसे ही कहीं बाहर गया तुमने गाड़ी की चाबी ली और खुद लेके निकल गई, अनाड़ी हो कहीं जाके तुमने गाड़ी ठोकी है। दूसरा एक डकैत आया, वो तुमसे सब कुछ छीन के ले गया, तुम घर आई हो वापस और इसको आगे बताया कि सारी चीज़ें चोरी हो गई। आ जाओ जल्दी से टाइम कम है गाइस, जल्दी से आ जाओ। रेडी? चोर कौन है तुम लोगों में? चलो पहले सिचुएशन तुम दोनों की, रेडी गो। सुने ना, आपने कहा था कि आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे शादी से पहले। तो सिखाऊंगा ना। सिखाए ना। अभी नहीं सिखा सकता, हालात बहुत खराब है, बाहर के हालात देखो, और तुम वैसे भी जो है ना काम पे ध्यान दिया करो, गाड़ी को छोड़ दो। सिखाए। अच्छा मैं जा रहा हूँ एक जरूरी काम से, फिर मैं आता हूँ, बात भी करता हूँ इस बारे में। ये तो चले गए, मैं जाती हूँ। यार ये तो चलेगी नहीं है, क्या है? यार बाहर की बहुत टेंशन थी, काम की टेंशन। क्या हुआ, क्या हो गया? तुम्हारा फीडर कोई ले गया? क्या हुआ? मुझे सब चुरा लिया, मैं गाड़ी चलाने सोने की चैन, पैसे, मेरा आईफोन 14 कहाँ गया? वो सब चुरा लिया। तुम्हें कितनी बार समझाया कि नहीं जाना, फिर भी टाइम भी खत्म हो गया। आईफोन 14 वाजा। चलिए जी, पहले मुझे आप लोग बताइए सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको किस टीम की लगी है? आप लोगों के ख्याल में आइएगा जरा इधर, टीम टाइगर्स वापस जाओ, जिनके ख्याल में टीम ड्रैगन्स, जिनके ख्याल में गोरिल्लास, या जिनके ख्याल में टीम लायंस। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं ये देख के सब कुछ। अच्छा जी, आप लोगों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई हैं टीम ड्रैगन्स के लिए। ड्रैगन्स नो डाउट बहुत ही जबरदस्त थे, सिचुएशन बड़े मजे से कैरी किया, शाताज लगी वाकई बड़ी गुस्से वाली है, और लग रहा था कि शेज जो है वो बहुत ही धीमा सा कोई हस्बैंड होगा। बहुत अच्छे से कैरी किया, कुछ मिस नहीं किया, एक्टिंग भी जबरदस्त थी जैन की भी, शाताज की भी और शेज की भी। अच्छा, सिचुएशन को सबसे मजे से जो परफॉर्म किया है वो इन तीनों ने किया है, क्योंकि इनके पास मार्जिन ज़्यादा था खेलने का अपनी सिचुएशन के अंदर। तो वो दोनों बैठ के उन्होंने बड़े आराम से बोला, कैसे हो भाई तुम लोग, खैरियत से हो? हाँ बिल्कुल ठीक है यार, खाना वाना इतना मुझे भूख नहीं लगती। फिर वो बड़े मजे कहता, मैं ज़रा वॉशरूम से आ रहा हूँ। ये रस्ते में जाते जाते जो पलटा है खाने के बाद, वो बहुत ही मज़े का था, बहुत फ़नी था, और वो स्क्रिप्ट में नहीं था। तुम दोनों तकरीबन बराबर की एक्टिंग करके गई, तुम लोगों से कम नहीं थे। अच्छा जी, टाइगर्स की तरफ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तुम ही लोग आए थे, मुझे लगा काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते थे तुम। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि सिचुएशन अगर कंप्लीट कर लोगे, तो अगर इन लोगों ने भी कर ली कंप्लीट, तो फिर मुकाबला आ जाएगा अदाकारी के ऊपर, और फिर मुकाबला आ जाएगा कि किसने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तुमने सिचुएशन जैसी थी वैसी की वैसी कर दी, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल तुम अगर थके हुए थे, यार मुझे गोद में ले ले यार बहुत थक गया हूँ, जैसी गाड़ी आती जब मारते और उठते और आके देखते इनसे भूल जाते कि तुम्हें कहाँ जाना है, वो ज़्यादा फनी लगता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती थी, वो तुम लोग वहाँ पर रह गए। अच्छा, यहाँ पर तुम दोनों का स्टार्ट जो था वो इतने मज़े का मुझे लगा नहीं, मुझे बेगम से ज़्यादा तुम लगी इमरान की बच्ची, बेगम से ज़्यादा मुझे लगा कि जैसे तुम इमरान की बेटी हो, और तुमने आगे उसको बोला कि मुझे जाना, तुम शुरू में ही ऐसे बोल रही थी, और तुमने आगे बोलना था जैसे कि हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, आप मुझे सिखाते क्यों नहीं। उसने सही बोला कि मुझे जाना है, अभी हालात बहुत ख़राब है, वो निकल गया। सबसे अच्छा तुम लोगों के अंदर अब्दुल्ला था, जब वो आया उसने डकैती मारी, उसके बाद वो निकल गया। आज तो मैं बाइक पर आया था, जाऊंगा मैं गाड़ी में, और गाड़ी लेके निकल गया। वापस आके जो तुम रोई वो ज़्यादा मज़े का था। शुरू के अंदर अगर तुम थोड़ा सा सटल ही रहती ना कि नहीं भाई आज हमारी शादी को इतने साल हो गए, आपने कहा था कि भाई मुझे सिखाएंगे, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। मेरे हिसाब से दो दो पॉइंट्स के हकदार हैं यहाँ पर, टीम गोरिल्लास और टीम ड्रैगन्स, एक एक पॉइंट जाएगा लायंस। हाँ क्या? दो दफा बोला था कि बोलना 5 साल हो गए हमारी शादी को, दुआ ने बोला ही नहीं, दुआ ने डायरेक्ट बोला कि आपने वादा किया था शादी से पहले। इतने साल हो गए नहीं, 5 साल, 5 साल लिखा हुआ था उसमें, बोला था 5 साल, नहीं बोला था 5 साल। दो पॉइंट जाएंगे ड्रैगन्स के साथ, दो पॉइंट जाएंगे गोरिल्लास के साथ, और एक पॉइंट जाएगा टीम टाइगर्स के साथ। हो जाए क्यों टाइम तो अब हो गया।
चले भाई मेरे पास क्वेश्चन आंसर है आपके लिए, दो दो तीन गेम्स खेलूंगा मैं अभी। अच्छा जी क्वेश्चन आंसर, एनवायरो की तरफ से होम अप्लायंसेस जाएंगे आप में से किसी एक के साथ, वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता, पानी में नहीं डूबता वो और आग जला भी नहीं सकती, बताए कौन है वो क्या है, बच्चे को माइक दिया जाए, वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। बर्फ। बर्फ पानी में डूब नहीं सकती और अगर आग में फेंकी जाए तो आग जला नहीं सकती, बिल्कुल सही जवाब है। एनवायरो की तरफ से होम अप्लायंसेस जाएंगे आपके साथ। अच्छा जी नेक्स्ट क्या दे रहा हूं, हाकिम संस की तरफ से एग्जीक्यूटिव पैकेज है, वो कौन सी जिंदा चीज है जिसे जिसको खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, वो ऐसी कौन सी खाने की चीज है, जिंदा चीज है जिसे खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। हाँ भाई बच्चे को माइक देना, कौन सी जिंदा चीज है, मछली। मछली गलत जवाब है भाई, ये बोल रहा हूं गलत जवाब, वो कौन सी खाने की चीज है, जिंदा चीज है नहीं, वो कौन सी जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, ये वाले भाई वो कौन सी जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, मुर्गी है, चिकन, मुर्गी। इस बच्ची को माइक दो, वो कौन सी जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है, बीफ, गाय, गाय। खाने के सारी चीजें, मछलियां भी आ गई, मुर्गी भी आ गई, बीफ भी आ गई। हाँ भाई कौन है, ये वाले भाई मूछों वाले भाई, वो कौन सी जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले हाथ, खाने से पहले धोए जाते हैं हाथ, सही जवाब। हाकिम संस की तरफ से एग्जीक्यूटिव पैकेज जाएगा ये वाले भाई के साथ, IHMD लर्निंग फ्यूचर की तरफ से सर्टिफिकेट कोर्स है, वो कौन सा फूल है जिसको सूंघा नहीं जाता बल्कि खाया जाता है, येलो वाली बच्ची, येलो शर्ट में जो बच्ची है, वो कौन सा फूल है जिसको सूंघा नहीं बल्कि खाया जाता है, गोभी का फूल, गोभी का फूल बिल्कुल सही जवाब। IHMD फ्यूचर लर्निंग की तरफ से सर्टिफिकेट कोर्स विन किया इस बच्ची ने। अच्छा जी एक सवाल और, हाँ जी क्या दे रहा हूं, वाउच 365 की तरफ से फ्री ऐप रजिस्ट्रेशन है, 2022 के एशिया कप में खेलने वाले पाकिस्तानी तीन खिलाड़ियों का नाम बता दें, चलें इनको माइक दे दो, तीन प्लेयर्स के नाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह, बिल्कुल सही जवाब। आइए जी वाउच 360 की तरफ से इनके साथ जाएगा वाउच, बहुत आला। अच्छा जी नहीं लेकर आओ वो रिंग वाला गेम, रिंग्स निकालने वाला गेम, एक रिंग्स वाला रह गया, और कौन कौन से गेम रह गए, बैलेंस द बॉल, हाँ वो भी रह गया बैलेंस द बॉल, 10 मिनट हमारे पास जल्दी से आ जाओ, एक ये भी रह गया, तीन गेम्स रह गए, चलो जल्दी जल्दी। सबसे पहला मुकाबला किन दो टीम्स के दरमियान है, गोरिल्लास वर्सेस ड्रैगन्स, गोरिल्लास वर्सेस ड्रैगन्स, आ जाओ जल्दी से, चलो 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 जल्दी से, गोरिल्लास वर्सेस ड्रैगन्स पहला मुकाबला, कल जो प्लेयर्स खेले थे आज वो नहीं खेलेंगे, आज चेंज हो जाएंगे प्लेयर्स, आगे रखो, रेडी, बॉल को क्लियरली बाहर फेंकना है, गलती की गुंजाइश नहीं है दोनों के पास, एक रिंग और लेकर आओ जल्दी से, जैन तुमने लेफ्ट फेंकना है, ओसामा तुमने राइट फेंकना है, जल्दी से रेडी, जल्दी से जगह पे आओ, रेडी बॉल रखो, क्या बात कर रही हो, आ गई, रेडी रेडी गो, ड्रैगन्स फाइनल में दूसरा मुकाबला लायंस का है गोरिल्लास के साथ, सॉरी लायंस का है टाइगर्स के साथ, टॉस करना है, लो भाई टॉस, जल्दी 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 जल्दी, ये लो भाई, चलिए रेडी लायंस रेडी टाइगर्स, रिंग सीधे करना,
ये बात है। चलो मिडिल में रखो बॉल, बस रेडी गाइस। अच्छा इससे भी फर्क पड़ जाता है वैसे, ठीक है गो। लायंस फाइनल में आ गए, टाइगर्स बाहर हो गए। मुकाबला है टीम ड्रैगन्स के साथ। रेडी इमरान, एक रिंग एक रिंग। चलो 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 चलो, जो टीम जीती उसके दो पॉइंट्स, जो टीम हारा उसका एक पॉइंट। रेडी रेडी गो। क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ इमरान। क्या नहीं हुआ था दिखाओ मुझे, रिप्ले दिखाओ कैसा हुआ था। रिप्ले दिखाओ मुझे कैसा हुआ था, क्योंकि मैंने गो कह दिया था, मुझे लगा था वो बाहर हो गया। अगर हो गया तो इमरान तुमने चार फेंक दिए, मुझे दिखाओ रिप्ले दिखाओ, रिप्ले दिखाइएगा मुझे। क्या यहाँ कोई था, यहाँ पे कोई था, उसका हाथ रखा था, शेज का हाथ रखा था। दोबारा आ जाओ, चलो गो। इसने गलत फेंकी वहां पर, बॉल वहां फेंकी उसने, देन तुमने बॉल वहां फेंकी। एक बॉल राइट फेंक दी थी, दो पॉइंट जाएंगे लायंस के साथ, एक पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। हो जाए दो पॉइंट जाएंगे लायंस के साथ, एक पॉइंट जीता ड्रैगन्स ने। नेक्स्ट गेम है रिंग वाला गेम। सबसे पहले खेलने के लिए गोरिल्ला जाएंगे, सेकेंड होंगे ड्रैगन्स, थर्ड आएंगे लायंस और आखिर में होंगे टाइगर्स। चलो जल्दी से आ जाओ ग्रीन लाइन से पीछे, व्हाइट पे लेके जाओ, व्हाइट पे लेके जाओ, बस यहां से खेलना। चलो भाई पहले खेलने के लिए गोरिल्लाज हैं, जल्दी से आ जाओ। रेडी रेडी गो। चार स्कोर कर दिया, बहुत अलग खेले गोरिल्लाज, शाबाश। बारी आई है ड्रैगन्स के खेलने की, रेडी गो। टीम ड्रैगन्स ने अब तीन स्कोर कम से कम करना पड़ेगा हर टीम को, अगर एक पॉइंट भी विन करना है तो। चार स्कोर करके इस गेम को बड़ा मुश्किल बनाया गोरिल्लाज ने, देखना ये कि आज चार स्कोर कर पाते हैं टीम लायंस या नहीं। रेडी गो। We'll be right back.
करना है, एक और करना है, जाओ दुआ एक और दुआ 10 सेकेंड। टाइम अप नहीं हुआ, स्कोर टाइम अप हो गया, 2 स्कोर किया लायंस तुम लोगों ने। स्लो खेलते तुम लोग ये गेम। इस तरह ये बाहर हो गए, पहले नंबर पे गोरिल्लाज हैं, दूसरे नंबर पे ड्रैगन्स हैं, बारी आई है टीम टाइगर्स से खेलने की। टाइगर्स कम से कम 3 स्कोर करना है। रेडी गो। स्कोर किया टाइगर्स ने भी। टाइगर्स इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स जाएंगे गोरिल्लास के साथ, 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। हो जाए चलिए जी, वक्त आ गया है देखने का कि आज वो कौन सी टीम है जो हमारा गेम चेंजर खेलेगी, और कौन कौन सी टीम्स इन है और कौन सी टीम है आउट। दिखाइए पॉइंट्स टेबल। आज सारे करीब करीब हैं। 14 ड्रैगन्स आज का गेम चेंजर खेलेंगे, लेकिन लायंस टाइगर्स और गोरिल्लास तीनों इन हैं, कोई भी टीम जीत सकती है। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। खेलने जा रहे हैं टीम ड्रैगन्स, आज शानदार खेले हैं ड्रैगन्स। चलिए जी रेडी ड्रैगन्स, तुम लोगों के पास 5-5 सेकंड्स हैं सामने, तुम लोगों ने मॉनिटर पे देखते रहना है। तुम्हारे एक प्लेयर ने 0 से पहले डिसाइड करना होगा। माइक उठा लेना, माइक चेक कर लो, माइक कहाँ है, माइक दो गाइस, माइक कहाँ है, जल्दी से माइक दो। चलो रेडी गो। नंबर 5। 5 नंबर दीजिएगा, गो। नंबर 7। 7 नंबर दीजिएगा, गो। नंबर 3। 3 नंबर दीजिएगा, गो। नंबर 4। 4 नंबर दीजिएगा। बड़ा सोच समझ के खेलना तीनों टीम्स ने, गो। नंबर 6 टाइगर्स। 6 नंबर टाइगर्स को, गो। नंबर 9 लायंस को। 9 नंबर लायंस को, 1, 2, 8 गो। नंबर 8 गोरिल्लास। 8 नंबर दीजिएगा गोरिल्लास को। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। हाँ जी बताइए, पहले कौन से 2 चांसेस हैं जो आप ओपन कराना चाहते हैं। नंबर 5 और नंबर 7 ओपन करवाया टीम ड्रैगन्स ने। नंबर 5 में क्या है बताता हूं, और साथ नंबर 7 में क्या है बताता हूं। 5 और 7 में से 5 बार है। अगला ब्रीफ केस बताओ। नंबर 3 और नंबर 4 बाकी रह गया इनके पास। नंबर बार है तुम्हारे पास, एक पावर है, 15 सेकंड्स है, चाहो तो यूज करो, चाहो तो ना यूज करो। गो। टाइम जा रहा है गाइस। ब्रीफ केस नंबर 9 जो तुम लोगों ने दिया था टीम लायंस को। लायंस बाहर थे, ब्रीफ केस नंबर 8 दिया तुमने। गोरिल्लास भी बाहर हो गए। लाओ बे 4 नंबर लाओ पहले।
छह नंबर ब्रीफकेस इन्होंने दिया टीम टाइगर्स को। कल टाइगर्स गेम चेंजर खेले थे और उन्होंने छह नंबर दे दिया था। आपका आखिरी चांस खत्म, लाओ भाई छह नंबर गोरिलास को। और कल गोरिलास जीते थे, कल ड्रैगन्स जीते थे और आज ये छह नंबर इन्होंने दिया है टीम टाइगर्स को। आज चारों टीम्स इन थी और काफी दिनों के बाद ये चारों टीम्स एक साथ इन हुई थी गेम चेंजर में। गेम चेंजर खेला था टीम ड्रैगन्स ने, लेकिन आज की विनिंग टीम जो गेम चेंजर के साथ जीती है, वो टीम है टीम टाइगर्स नहीं है, टीम ड्रैगन्स है। सात नंबर ब्रीफ केस में थे, 10 लाख रुपए लगातार दो दिन जीत गए हैं टीम ड्रैगन्स गेम चेंजर्स के साथ और इस तरह ये पहले नंबर पे आ गए हैं हमारे पॉइंट्स टेबल पे। अब मोस्ट प्रॉब्ली यही वो टीम होगी, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, और यही शायद वो टीम होगी जो पहला क्वालिफायर खेलने जा रही है। शानदार विक्ट्री, शाबाश। आओ भाई, अब क्या है मेरे पास आप लोगों के लिए, लूट लो बैठो। सिटी की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, एसपीजी की तरफ से चीज है, एसपीजी रिजवा इंटरनेशनल की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, रिजवा इंटरनेशनल की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, चकोर की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, चकोर की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, चकोर की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स की तरफ से गिफ्ट सैंपल्स है, कल ठीक 7 बजे मिल जाऊंगा, देखना ना भूलिएगा गेम शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।